आपका सामना हो गया। ओ, तो आखिर आपकी नजरें चार हो गई उस हसीना से? बड़ी मुश्किल से बेनी बाबू, लाज और शर्म की देवी है वो, नजरें हमेशा झुकी रहती है। दो चार दिनों में मुझे और गजलें और गीत पेश कर दो, सारा ध्यान लिखने में लगा दो, खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं दे दूंगा, ये लो। शुक्रिया। इस परदेश में अगर बुरे वक्त में आपकी मदद ना मिलती तो बड़ी मुश्किल हो जाती बेनी बाबू। मगर एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आप मेरी हर गजल के लिए मुझे 1200 रुपए दे देते, आखिर ये आपकी क्या काम आएंगी? इतनी काम आएंगी प्रेमी, क्या तुम सोच भी नहीं सकोगे। बहुत जल्द मैं अपनी एक फिल्म कंपनी शुरू करने वाला हूँ, हर बरस मैं 4-5 फिल्में बनाया करूंगा, उसमें तुम्हारे गजलें और गीत पेश की जाएंगी, इसलिए एक चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें। वो क्या? जो गजलें और गीत तुमने मुझे दी हैं वो और किसी को मत सुनाना, वरना वो अपनी फिल्मों में ले उड़ेंगे और हम मुंह ताकते रह जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, ऐसी गलती मुझसे मुझसे कभी नहीं होगी। अरे खाए के पान बनारस वाला रे, लजाया बंद अकल का ताला रे। अरे पनवा भैया तो आ रहा है, ले कमाई खा ले भैया। एक कलकत्ता साधा। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहा कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया, तुमने तने की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खा ले, मजा ही तो आका। चला तो बना दिया भैया, एक बहुत दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। अभी खिला दे, ये तो कलकत्ता साधा कनारी सुपारी। हां ठीक है, परवा खा ले भैया। और का हाल चाल हो, खतवा दात है कि नहीं? खतई आ रहा भैया, खतई तो काम से आ रहा, तो हर भाभी तो ला भैया थोड़ी तबीयत हरी कर। परवा ये शेर किसने गाया दुबे? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। अरे नाम है लैला जान। सामने वाला कोठा है ना, चंद्राबाई का कोठा है, और उस कोठे की रौनक उसकी बिटिया लैला जान रे। अमा यार मुझे पता करना है कि ये शेर कोठे तक कैसे पहुंच गया। अरे इस कोठे पर तो ऊंची ही चीज पहुंच सकती है भैया, शायरी भी ऊंची, ऊंचे लोग लखपति करोड़पति ग्रेड के भैया, तुम तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुँच गई। मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा दुबे। दरबान, वो जो कोठे से पान का जो आर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं, जरा इनको अंदर जाने देना। ये लो। सही राजा। आदाब। ए बेनी बाबू, शर्म करो, प्रशंसा लैला जान की हो रही है, आप अपने हाथ का पेंडुलम का एक हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। चलिए झंझोड़िया साहब, खूब चलिए, लैला जान के साथ इस दात के कुछ हकदार हम भी हैं। है? जी हाँ, जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल बेनी बाबू ने ही लिखी है। बेनी बाबू और शायर? ये कौन फ्रॉड से ये प्रमोशन पाई लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं। लैला जान का हुस्न आपके सामने भी था और हमारे सामने भी, एक को शायर बना दिया और दूसरे को भांड। खूब पहचाना अपने आप को, तुम बने रहो भांड, शायर बन के हम दिखाएंगे। अरे कौन मैं? ओ दरबान जी, आप जग में बास, पान पहुंचाने के बहाने ऊपर आया और यहाँ खा फोकट में आके सेकता। अरे नहीं नहीं, जब मैं आया था तब मुजरा शुरू हो गया था, इसलिए मैं रुक गया, अब मुजरा खत्म हो गया, अब मैं अंदर जाता हूँ। कि आप अपने मोटे जिस्म का गलत फायदा उठा रहे हैं, कभी कभी चीटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है, मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए तमीज से बैठ जाइए। क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल लैला जान से अखियां में क्या लड़के का? अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोठे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में।
वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गया, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान, ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोठे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कंवल है, मैं निकालूंगा उसे इस कीचड़ से। जो कभी टोलपुर की रियासत हुआ करते थे वहां के ठाकुर है हम, न तो उतारने की कीमत कीमत हम दोगुनी कर देते हैं। न जाने इस शहर में कितने सेठ पड़े हैं जो नत उतराई का लाख दो लाख देने को तैयार हैं। जाइए ढोलपुर तशरीफ ले जाइए। वो गजलें मेरी हैं, ये बात बताए बगैर भी मैं आपको उनके दिल से निकाल सकता हूँ। अरे वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। लैला जान के करीब जाने के लिए हैसियत चाहिए, दौलत चाहिए या शायरी, और तुम्हारे पास सिर्फ शायरी है। शायर होने के साथ साथ मैं एक मर्द का बच्चा हूं। लैला जान को हासिल करने के लिए आप शायरी का सहारा लेते रहिए, मुझे उसकी दुखती रख से कोई फायदा नहीं उठाना। मर्दों वाले तरीकों से अपनी महबूबा को जीत कर दिखाऊंगा मैं। अरे धरे रह जाएंगे तुम्हारे तौर और तरीके। बिना शायर बने तुम जैसी छोटी हैसियत का आदमी लैला जान के कोठे पर पांव भी नहीं धर सकता। लैला जान खुद बुलाएंगी मुझे अपने कोठे पर। कबूल किया आपका चैलेंज, ये लीजिए एक और गजल और चलाते जाइए मेरे कांधे पर रख के बंदूक, उसके बावजूद देखिएगा होता है क्या। बस इसी तरह मेरी मदद करते रहिए, चाहे बने रहिए मेरे रकीब। लैला जान तो सिर्फ अब मेरी ही बनकर रहेगी। बड़ी ही लंबी उम्र है उसकी, आप जिसे याद कर रहे थे उसी का फोन आया है। नौकर के हाथ भेज देती, यहाँ पर खुदाने की क्या जरूरत थी। इसी बहाने कुछ पर पति के साथ रहने का मौका तो मिल जाता है मुझे। तो आप इनकी पत्नी है? हाँ भैया, इनके चरणों की दासी हूँ, लेकिन इनके मन के मंदिर की रानी तो आज कोई और है तो हुआ करे। मगर बहन जी, आज मैंने आपके पति से एक वादा किया है, एक वादा आपसे भी किए देता हूं। अंत में जो जीत है ना वो आप ही की होगी। वो आ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। वो आ रही है। और सुनो, हाँ जो आगे चल रही है ना, हाँ हाँ वही है। मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ, हाँ। और वहां तैयार रहता हूँ। ठीक, तुम लपक के पकड़ लेना है। हाँ। और सुनो, हाँ बदतमीजी करना मगर जरा तमीज से है। ठीक है ठीक है। हाँ? हाँ। हाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अरे साला, इसने तो गुस्से से देखा ही नहीं, ये तो खिल उठी। चलो माँ। अच्छा, शेर फेर को मारो गोली, सीधा अटैक। चलो भी माँ। हाँ, छोड़ मेरी, छोड़ मेरी, हम बर्दाश्त क्या कर रहे हैं? मैं जाऊँगा। तू कहाँ? माँ, अरे ओ, आज मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, आज लेके जाऊँगा। राजा साले, ये घटोत्कच कहाँ से आ गया? अबे ओए, छोकरी पे रंग जमाने तू किधर से अटपका? सौदा किसी और से पटेला है, चल फुट इधर से, चल फुट। तूने दगड़ू दादा पे हाथ उठाया? दगड़ू? भाग्य साला, अब बचकर कहाँ जाएगी मेरी जान? चल। ये क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? ये छेड़ रहा है हमें, बदमाश है ये। हिम्मत
तेरी ये हिम्मत, मैंने इंसान मंदिर में आके औरतों को छेड़ता है, जल्दी से भाग जा। इतनी जल्दी कैसे भाग जाऊं? चल बेटी मंदिर में भाग चले। पैसों के मामले में दोस्ती ना आई, मेरे को ताबड़तोड़ ताबड़ चाहिए। अभी चाहिए। ये कौन सी जबान है भाई? 100 गरीबी में आटा गीला कर दिया। 400 500 अभी आगे इनमें चला भाई। जाता हूँ यार। भाई साला खरीदने की कोशिश करता है। चल। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। क्या जमाना आ गया आजकल, ये लुच्चे और लफंगे मंदिरों और मठ में भी लड़कियों की ताक में आने लगे। बताइए, और इस लुच्चेपन में तुम्हारी भागीदारी भी लगती है? देखिए बड़ी गलत बात कर रही है आप। अरे मैं तो इस मंदिर में अपने कामकाज के लिए प्रार्थना करने आता हूँ। और चढ़ावा चढ़ाते हो हुंडे को, 100-100 के नोट। कैसे नोट? बनो मत, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसे नोट देते हुए। दे नहीं रहा था, लौटा रहा था मैं। वो मुझे 500 रुपए थमा रहा था कि भैया तुम मुझ पे भारी पड़ रहे हो, ये 500 रुपए पकड़ो और मेरा रास्ता साफ करो और मुझे लड़की पे हाथ साफ करने दो। सच कह रहे हो तुम? अरे झूठ बोलना तो मैंने 4 बरस की उम्र से ही छोड़ दिया। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था तो मेरी बुआ ने मुझे गर्म सलाख से ऐसी जगह दाग दिया था कि मुझे बताते हुए भी आपको शर्म आ रही है। वो सब छोड़ो, फिर बताओ आगे क्या हुआ? आपने देखा नहीं कैसे हाथों हाथ और लातों लात लौटा दिया मैंने उसको। हाँ मगर वो जाते वक्त कह गया कि ठीक है बच्चों यहाँ तो बचा लिया, घर तो लौटेगी, अपन उसको रास्ते में घेरेगा। मैंने कहा कि भैया वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पूजा करने आया, देखा कि एक अबला नारी तकलीफ में, उसको बचाना इंसानी फर्ज है, लड़ने में क्या हर्ज है? सुनिए, कहिए। माँ, बेटे, हमारा दरबान भी भाग गया, तुम हमें घर तक पहुँचा दोगे? अब आप जिदी कर रही है तो चलिए छोड़ देता हूँ। कुछ काम वाम मिलेगा? ठीक है। गजल पेश खिदमत है। बेडरूम तक पहुंच गया साला टपोरी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप तो कमाल के शायर बन गए हैं बेनी बाबू। मुझे तुमने बनाया है शायर, कुछ दिनों में तुम मुझे दीवाना बना दोगे। आज तो ना बनिए दीवाने बेनी बाबू, मेरे बेडरूम तक आने की छूट आपको सिर्फ शायरी के लिए दी गई है, दीवानगी के लिए नहीं। तो अपने बेडरूम की लज्जतें भी मुझे सौंप दो जाने मन, मुंह मांगे दाम दूंगा। अपनी एक रात मुझे इनायत कर दो। एक रात? और बाकी रातें उनका क्या होगा? ये हुस्न और जवानी एक रात के लिए बेचकर जिस्म के व्यापार का एक सिक्का बन जाऊं, भटकती रहूं मर्दों के वासना के बाजार में, आज इसके पास कल उसके पास। नहीं जाने मन, तुम किसी और की बनो, मैं कभी सह नहीं सकूंगा। तुम्हारी हर रात सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, जिंदगी भर का सौदा कर लो मेरे साथ, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। यही तो मुश्किल है, हर चाहने वाला मुझ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं तो सबकी बनकर रहना चाहती हूँ, इसीलिए किसी के भी नहीं बन सकती। चाहती हूँ कि मेरे हुस्न के सभी लोग तलबगार रहे। प्रेमी, प्रेमी। क्या बात है जवानी? ये 9000 रुपया और मालकिन का हुक्म है 4 बोतलें विस्की और 8 दर्जन पान। अच्छा, मुजरा जमने वाला है। 7 सुर में आ चुके हैं लैला जान, सुनाइए हमारी वो ताजा गजल ताकि लोग हमें दाद दें और झंझोटिया से चले। आप ये दाद और खुजली जो है बाद में बटोरते रहिएगा। लैला जान जरा ठुमरी हो जाए, बहुत दिन हुए ठुमरी सुने हुए। सेठ जी आपकी फरमाइश भी पूरी कर देंगे, लेकिन पहले बेनी बाबू की गजल। अरे गजल वजल तो अभी पैदा हुई है ससुरी, ठुमरी तो तब से जिंदा है जब नटखट नंदलाल वृंदावन में रासलीला रचाते थे और कहते थे कि छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी।
हमारी बीती आप हमें सुनाइए ना लैला जान। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो ठुमरी ठीक से याद भी नहीं। हाँ मगर आपकी फरमाइश झंझोटिया सेठ जरूर पूरी कर सकते हैं। ठीक ही तो कहती लैला जान, ठुमरी की अदायगी आप ही ठीक अदा कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, वो हमको याद नहीं है। अरे आज आपको हमारी फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी। छूने नहीं दूंगी शरी, नजरियों से दिल भर दूंगी। छूने नहीं दूंगी शरी, नजरियों से दिल भर दूंगी। नजरियों से हराम, नजरियों से हराम, नजरियों से दिल भर दूंगी। छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। लाख करोगे पिया मुख से न बोलोगे, लाख करोगे पिया पिया, लाख करोगे पिया मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे, आप रहोगे दिलगी। आप रहोगे दिलगी, नजरियों से दिल भर दूंगी। इश्क के पढ़ के सारे अफसाने, लोग करते हैं इश्क क्यों जाने। इश्क देता है सिर्फ रुसवाई, इश्क जिसने किया सजा पाई। फायदा क्या है दिल लगाने से, आग के पास घर बनाने से। छूने नहीं छूने नहीं दूंगी शरी, नजरियों से दिल भर दूंगी। छूने नहीं दूंगी शरी, नजरियों से दिल भर दूंगी। कमबख्त, माफी चाहता हूँ मैं। कोठे में नोट बरसाए जाते हैं, आपने हम पे पान बरसवाई दिया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सेठ जी, इसे नया नौकर रखा है, मुँह कायदा करीना भी नहीं जानता। आपने किस बदतमीज को नौकर रखा है? देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने, इसे फौरन नौकरी से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं, काहे किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं, धोबी के पैसे हमसे ले लीजिएगा। बदतमीज, पी लीजिए। आए हम पे भड़क रही, हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी, तुम्हारे बाप दादो में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो अच्छी है, नहीं खरीदी कतने में, तुम्हारा वजन संभाल लेगी। चढ़ी छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ, तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया सर। कलाई पर गजरा लपेट कर भजन सुनने जाते हो? हाँ तो
मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना, मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो, पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? सच बताओ, कहाँ गए थे बताओ पहले। अरे बताता हूँ, कहाँ फूलन देवी की तरह चढ़ी चली आ रही हो। हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा, काहे को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो? अरे नहीं, बताते हैं काहे के हुआ। ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया, आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, यहाँ गिर गया तो ये पान नहीं है, हमारा खून है। अच्छा चलो जान, कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू उसको कोई क्या उल्लू बना सकता। नहीं नहीं, मैं असल में कहा है तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम है। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो चल। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारे लला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं, रियाज चल रहा है, भूरु छनक रहे कोठे पर। चलो दुबे भैया चलते हैं, लैला जान को जाना है बेनी बाबू के साथ घूमने और शॉपिंग करने, और हम जा रहे हैं उनकी रखवाली करने। या तो मुझे स्वर्ग बसाना है, जाने मन कोठा छोड़कर यहाँ रहने चले आओ। वो नई गाड़ी, ये नया मकान, सब कुछ तुम्हारे लिए है। अपनी हर रात मुझे बख्श दो जाने मन, मैं तुम्हें नाजो नियामत में रखूंगा। मेरे सभी जाने वाले यही कहते हैं बेनी बाबू, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब मेरी उम्र ढलने लगेगी और किसी एक का बनने का वक्त आएगा तो शायद मैं आप ही को चुनूंगी। ये औरत कौन है? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्या पति के घर आने के लिए पत्नी को इजाजत की जरूरत होती है? मैंने ये घर तुम्हारे लिए नहीं बनवाया है, चुपचाप अपने घर में जाकर पड़ी रहो। तुम क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो? मैं कहता जाऊं यहां से। आप चुप रहिए बेनी बाबू, मैं इन्हें जवाब दे दूं। आपका ख्याल है कि मैं बेनी बाबू के पीछे पड़ी हूँ? माफ कीजिएगा, लैला जान उन कोठे वालियों में से नहीं है जो रईसों को फांसती है। बड़े बड़े रईस खुद मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बेनी बाबू भी अपने पति की इतनी ही दीवानी हो तो उसे अपना बनाकर रखना सीखो। और कैसे बनाओ, उनकी हर आज्ञा तो मानती हूँ, हर तरह से जी जान से उनकी सेवा करती हूँ। आज्ञा मान के सेवा करके बनी रहो इनके जीवन में नौकरानी। शौकीन पति को अगर अपने बस में करना है तो दिलरुबा बनो देवी जी, ये सीधी सादी गाय बनकर कुछ नहीं होगा। जरा लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा फैशनेबल बनो, तरह तरह की अदाओं से दिल लुभाना सीखो। अगर आज तुम्हारे पति मेरी तरफ खींच रहे हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष खुद तुम्हारा है। उस कोठी की सौगात तो आपने कबूल नहीं की, कम से कम हमारे हाथ से एक फूल तो कबूल कर लीजिए। कहिए जाने मन, हम आपके लिए कौन सा फूल तोड़ के लाए? ला सकेंगे आप? अजी आप फरमाइश करके तो देखिए, आपके लिए तो हम कांटों में भी फांस सकते हैं। अच्छा तो फिर वो कवर लेके आइए। अब जाने मन, उस कमल के लिए हमें दलदल में घुसना पड़ेगा। बस जवाब दे चुकी है आपकी चाहत। चमेली कह रही थी कि आपने याद किया है मुझे। मैंने अपनी पसंद बेनी बाबू को बताई थी, फिर कमल लाने के लिए तुम दलदल में क्यों फान पड़े? अजी वो तो दलदल थी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौत के कुएं में भी कूद सकता हूँ मैं।
इश्क हो गया है मुझसे? ताजुब आपको? नहीं, ताजुब तो मुझे तब होता अगर तुम्हें मुझसे इश्क नहीं होता, क्योंकि मेरे करीब जो भी आता है वो मेरा आशिक बन के ही रहता है। शादीशुदा लोग भी मुझ पर फिदा हो जाते हैं, तुम तो फिर भी कुंवारे हो। चलो, मेरे चाहने वालों की लिस्ट में एक इजाफा और सही। आशिक बने हो, बने रहो। शुक्रिया करम नवाजिश। लेकिन ये याद रहे, मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है वो भी बना रहे। चांद को छूने की कोशिश मत करना, अपना मकाम कभी मत भूलना। मुझे इतना छोटा आदमी मत समझिए, हो सकता है कल आपके इश्क में मैं भी कुछ बन जाऊं, बेनी बाबू जैसा मकाम हासिल कर लूं। बेकार के सपने मत देखो, मेरे चाहने वालों में सबसे ऊंचा दर्जा बेनी बाबू का है। औरों के पास तो सिर्फ धन है, बेनी बाबू के पास फन भी है, बेहतरीन शायर है वो। यानी कि आपके नजरों में बेनी बाबू अच्छे शायर है? अच्छे, बहुत अच्छे। उस दिन उनकी ताजा गजल महफिल सुनती तो झूम उठती, बस झंझोटिया सेठ ने सुनाने नहीं दिया। तो फिर ठीक है, कल सुनवाइए और झुमवाइए महफिल को, और अगर आपकी इजाजत हो तो कल का तमाशा मैं भी देखूं। हाँ देख लेना। सी आई झंझोटिया। अरे बावर्ची की औलाद, तू मालिश कर रहा है कि आटा गूंद रहा है, हमारी चपाती बनाएगा क्या? फिकर मत करो सरकार, ये एकदम लेटेस्ट स्टाइल की मालिश है। मालिश? तड़के जाने कौनो लेटर बॉक्स में लिफाफा डाल गवा। सुनो, तुम पेट छोड़ो पीठ पकड़ो, तेरे बस की बात नहीं है घसियारा कहीं का। झंझोटिया सेठ, इस खत के साथ एक गजल भेज रहा हूं, उसे अपनी गजल बना के लैला को पेश कर दीजिएगा, फिर देखिए महफिल में आपका क्या रंग जमता है। आदाब। अरे हम का बहनी बाबू, एक नजर जरा हिया भी तशरीफ रखिए, वैसे बहुत बेशरम आदमी हो तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, घर में सती सावित्री पतिव्रता पत्नी बैठी है, उसको छोड़ के आप यहाँ आते हैं, वो बेचारी तो थाड़े मार मार के रोती होगी। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो रोती होगी। हमारी पत्नी रोती नहीं, उल्टा हमको रुलाती है। आदाब अर्ज है साहिबान। आदाब अर्ज है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आदाब। लला जान, आज हमारी वो गजल सुनाई डालो, रुकावट मत डालना। अरे नहीं साहब, हम और रुकावट, हट। लैला जान जरा इनकी गजल सुना ही डालो, सुन लो भाई कलेजा थाम के कान में रुई डाल। हाजरीन, मतला अर्ज है। हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, देखना भी हमें जालिम ने गवारा न किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है बेनी बाबू, आपने क्या उतर के मतला कहा है। आदाब। अरे चुप करो यार, का आदाब आदाब, इस मतले से तो मतली होने लग गई थी। नहीं, हम रुकावट नहीं पैदा कर रहे, मगर जरा हथौड़ा फिट के अबू सुनो। लैला जान जरा हमारी गजल सुनाई दे तो बहुत नवाजिश होगी। आपकी गजल? अजी झंझोटिया सेठ, आप कब से शायर बन गए? अरे वैसा रंग रूप सामने हो तो गधा भी शायर बन जाता है। अब बहनी बाबू नहीं बन गए का, तो हम जैसा इंसान क्यों नहीं बनेगा, बन सकता है कि नहीं भाई? क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप झंझोटिया सेठ का भी मतला सुना दीजिए लैला जान, देखे इन्हीं ने क्या तीर मारा है। तीर नहीं मारा, तोप मारा है। आईना तोड़ दिया, खुद भी नजारा न किया, आईना तोड़ दिया, खुद भी नजारा न किया, उनके जैसा हो कोई ये भी गवारा न किया। वाह क्या बात है झंझोटिया सेठ, आपने तो वाकई हथौड़ा फिट कर दिया है। इसी जमीन में, इसी बहर में क्या लाजवाब शेर कहा है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहनी बाबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? हाँ कहा है,
ठीक से जबान बोलनी आती नहीं है, चले हैं शेर कहने। जबान से नहीं, कलम से लिखा उल्लू की धूप। खामोश, जबान संभाल कर बोलिए झंझोटिया सेठ। ए, तुम वो कोना संभालो, यहाँ सब लोग हमारी गजल सुनना चाहते हैं। तुमने अगर अड़ंगा लगाया ना तो कुलाट खाओगे, मुझसे उलझोगे तुम। अरे भरी महफिल के अंदर इज्जत उतार के रख दूंगा मैं। अरे हम तोरी पतलून उतार देंगे। अरे क्या उतारेगा तू? आप लोग भी क्या बचपना कर रहे हैं? अरे हम तेरा टुकड़ा करके सितार के अंदर दफन कर देंगे। अरे कोठे को 2 मिनट में अखाड़ा बनाता है, क्या बोलता है तुम? और अखाड़े को 2 मिनट के अंदर कोठा बना देंगे। अरे भाई जरा समझाइए इन्हें, गजल फाड़ के साला शेर बना देंगे। अरे बूढ़े दो हाथ दूंगा ना, गजल फाड़ कर नाम भूल जाएगा, गंजा कर देंगे। जबान संभाल नहीं तो बच्चों की जान हाथ में दे दूंगा। हाथ पीछे कर, एक हाथ दिया ना अपने घर का एड्रेस भी भूल जाएगा। सरकार, ये आपने कैसे कैसे आशिक पाल रखे हैं? ये दोनों तो आपके लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक मुर्गी के लिए 2 मुर्गे। बको मत, झंझोटिया सेठ मेरे आशिक नहीं, कद्रदान है, संगीत प्रेमी है, इसीलिए यहाँ चले आते हैं। खैर छोड़िए, आप ये दोनों गजलें बाहर बुलाई थी, एक बेनी बाबू की और दूसरी झंझोटिया सेठ की, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गौर से देखें। क्या देखूं? ये देखिए, इन दोनों की लिखावट भी एक जैसी है, और इतना नहीं बल्कि मीटर भी एक है। अरे हाँ, दोनों की लिखाई तो एक जैसी ही है, लगता है एक ही शायर ने दोनों गजलें लिखी हैं। अरे अपने बेनी बाबू है ना, वो शायर है, उन्होंने झंझोटिया सेठ को गजल लिखकर दे दी होगी। पागल हो गए हो, दोनों की आपस में ठनी रहती है, झंझोटिया सेठ को तो बेनी बाबू कभी गजल नहीं देंगे। तो फिर कौन हो सकता है? इसका तो साफ एक ही मतलब निकलता है कि जिस शायर ने झंझोटिया सेठ को गजल दी है वही बेनी बाबू को गजलें देता आ रहा है। कौन हो सकता है वो गुमनाम शायर? आदाब अर्ज। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि मैं भी इस नतीजे पर पहुंचने वाला था कि जरूर कोई तीसरा छुपा रुस्तम है जो इन दोनों को गजलें लिखकर देता है। आदाब अर्ज। लला जान, इस बदमजगी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बेवकूफ झंझोटिया हमेशा मुझे डंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रेमी जी, माँ से जाके कह दो कि आज मेरा मुजरा करने का मूड नहीं है, सबसे जाने के लिए कह दे। जी फौरन भेज देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरुआत बेनी बाबू से करूँ। नहीं, एक मिनट पूछो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम जाओ। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदाब जी। लला जान, बेनी बाबू आप जानते हैं कि अच्छी शायरी मेरी दुखती रग है, इसीलिए शायर बनके मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखिए, एक गजल आपकी है और एक झंझोटिया सेठ की, लेकिन दोनों की लिखाई बिल्कुल एक जैसी है। अब आप सच सच बताइए कि आपको गजल लिख के देने वाला वो गुमनाम शायर कौन है? प्रेमी ने भड़काया तुम्हें? प्रेमी क्यों भड़काएगा मुझे, वो तो खुद जानना चाहता है कि वो गुमनाम शायर कौन है। मेरी गजल का शायर मैं हूँ जाने मन, यकीन मानो ये तो महज इत्तेफाक है कि इसकी लिखाई मेरी लिखाई से मिलती जुलती है। ठीक है, तो फिर सबूत पेश कीजिए। कागज भी हाजिर है और कलम भी, ठीक वैसी ही लिखाई लिख के दिखाइए, दिखाइए। हद हो गई, इतना जलील मैं आज तक नहीं हुआ, मेरी जबान पे तुम्हें भरोसा नहीं रहा, सबूत चाहिए तुम्हें। मत भूलो लैला जान, आज तक मैं तुम पर दौलत लुटाता रहा हूँ, तुम्हारे नाज उठाता रहा हूँ, अगर तुमने मुझे और जलील किया तो मैं तुम्हारे इस कोठे पर कभी नहीं आऊंगा। आपकी मर्जी बेनी बाबू, मुझ पर दौलत लुटाने वाले, नाज उठाने वाले और भी कई रईस है, लैला जान का दम सलामत रहे, चाहने वालों की कमी नहीं है। जवाब दो, तुमने झंझोटिया को गजल क्यों दी? झंझोटिया ने कितना पैसा दिया था जो हम नहीं दे सकते थे? एक पैसा नहीं लिया, मुफ्त में दे दी मैंने वो गजल पायलट बॉक्स। अभी तक तो झंझोटिया को भी नहीं मालूम होगा कि वो गजल उसे मैंने दी। तुम्हारा इरादा क्या है? परेब मास्टर के सामने सच बोल दो। बोलो। लैला जान के कोठे पर आपकी गुड्डी सबसे ऊंची थी, उसे डाउन करने के लिए मैंने झंझोटिया सेठ की गुड्डी ऊंची कर दी। यानी कि मुझसे दुश्मनी करने पे तुल गए। Everything is fair in love and war. मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है।
देखिए बेनी बाबू, लाला जान से आपको भी इश्क है और मुझे भी। और हाँ, अगर आप मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं तो लाला जान को बता दीजिए कि शायर मैं हूं। मगर आप तो बताने से रहे, इसलिए दांव खेलकर लाला जान को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप शायर नहीं है। देखिए बेनी बाबू, बुरा मत मानिएगा, ये हकीकत है। मैं आपकी तरह फरेब मास्टर नहीं हूं। इजाजत, मैं चलता हूं। ठहरो प्रेमी, आइंदा भी अपना वचन निभाओगे क्या? लैला से कभी नहीं कहोगे कि तुम ही असली शायर हो? पहले भी कह चुका हूं, मर्द की जबान एक वचन दिया है सो मरते दम तक निभाऊंगा। फिर तो इश्क में जीत मेरी होगी। मुझे खतरा एक शायर से था, नौकर को तो लैला जान अपनी ठोकर से उड़ा देगी। अरे गले से लगाएगी बेनी बाबू, आज ये भी वादा रहा। अरे प्रेमी, ये गुलदान सजाने के लिए कुछ गुलाब लाए होते, ये कीचड़ के कमल तुम क्यों ले आए? जिस लड़की से मुझे इश्क है ना, उसे भी ये कमल बड़े पसंद है। किस मेंढकी से इश्क कर बैठा है माटी मिले, वो भी किसी कीचड़ में ही पली होगी। मैं ये कैसे कहूँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए। आधा तशरीफ रखिए सेठ जी। ये सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, कहा है कि राजगढ़ के ठाकुर जो है हमारे परम मित्र हैं, तो इस पूर्णिमा को उनकी बेटी का ब्याह है, उसके जश्न में लैला जान का जो मुजरा है वो हम फिक्स करके आए हैं। ठाकुर साहब को हम जबान दिया है। माफ कीजिए सेठ जी, मैं अपना कोठा छोड़कर बाहर मुजरा करने कहीं नहीं जा सकती। अरे अगर हम लैला जान होते ना तो नाच नाच के पूरे भारत को नचा देते। हंस रही हो, मगर चलने को नहीं कह रही है? नहीं। चलोगी ना? नहीं। अरे यार समझाओ ना इसको। सेठ जी की बात रख लीजिए लैला जान, अब तो ये बेनी बाबू से बढ़िया शायर हो गए, कुछ कम नहीं है। सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजगढ़ चलूं, तो फिर आप मुझे सच सच बताइए, जो गजल आपने मुझे दी थी वो आपको किसने लिख के दी? किसने लिख के दी? अरे क्या बात करती हूँ, हम अपने हाथ से लिखा है, दिमाग से निकली है, 100% हम लिखा है। आपने लिखी? फिर ठीक है, राजगढ़ मुजरे में गाने के लिए आप उसी खूबसूरत लिखाई में मुझे गजल दे दीजिए, बस इसी शर्त पे मैं चलूंगी। नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी, हमारा दिमाग कोई फैक्ट्री थोड़ी है। यहाँ बटाने के फड़ से को गजल निकल आएगी, उसके लिए मूड चाहिए, तब गजल उत्पादन होगी। मूड शूट आप आराम से बना लीजिए झंझोटिया सेठ, अभी पूर्णिमा के लिए कुछ दिन बाकी है। नहीं नहीं देखो, बाकी है कुछ दिन, कभी 5 मिनट भी लगता है, 5 महीना भी लगता, कभी 5 साल भी। अरे लैला जान कैसे तकाजे में फंसा दिया हमने, चारों ओर तो अमावस का अंधेरा छाई गया। मैं जानती थी ना आने की धमकी देने के बाद आप जरूर आएंगे। आप तशरीफ ले जाइए, मैं आराम करना चाहती हूँ। उस धमकी का जुर्माना अदा करने दो, चला जाऊंगा। कैसा जुर्माना? ये नेकलेस लाया हूँ तुम्हारी मरमरी गर्दन के लिए। रहने दीजिए बेनी बाबू, रहने दीजिए, आप फिर से ताना देंगे। तुम पर अपनी दौलत लुटा रहा हूँ। अरे तुम पर तो मैं अपनी जान तक लुटा सकता हूँ जाने मन, वादा करता हूँ कि ताने नहीं दूंगा। अपने हाथों से हार मुझे पहनाने दो। ठीक है, पहना दीजिए। एक और तोहफा लाया हूं मैं तुम्हारे। वो क्या? आंखें बंद करो। आप हद से गुजर रहे हैं बेनी बाबू। तोड़ दो ये सब हदें, क्यों बांध रखा है अपने आप को भले घर की बंदिशों में? तुमने कोठे पर जन्म लिया है लैला जान, जहां माए आधी रात को अपनी बेटियों के कमरे में पराए मर्दों को जाने देती हैं। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं, और तुम्हारी माँ तुम्हारे जिस्म का सौदा मुझसे करने के लिए तैयार है। मैं कोठे की संतान हूँ, इसीलिए अपना संगीत बेचती हूँ, नृत्य बेचती हूँ, अदाएं बेचती हूँ। मगर माफ कीजिए बेनी बाबू, मेरा जिस्म बिकाऊ नहीं है। तशरीफ ले जाइए।
उंगलियों में कहीं चोट तो नहीं आ गई आपकी? बदमाश, तुम्हारी ये जुर्रत! बेनी बाबू ने भी तो आपको चुमा था, उन्हें तो आपने थप्पड़ नहीं मारा। वो इस शहर के माने हुए रईस है और मेरा पेशा है दिल रुबाई। जो लोग मुझ पर दौलत न्योछावर करते हैं उन्हें अपने पेशे की खातिर मैं थोड़ी बहुत छूट दे देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जैसा 2% का नौकर भी मुझे बदतमीजी करने लगे। इश्क में हम जैसे गरीबों का दिल बेकरार हो जाए तो बदतमीजी है, अमीरों का हो तो जायज है आपकी नजरों में? हाँ, कोई है? मेरी बात सुनी लाला जान, मेरी मोहब्बत को रुपयों में मत तोलिए, हो सके तो परख के देखिए मुझे, जो दर्जा मैं आपको दे सकता हूँ दूसरा कोई नहीं देगा। बकवास बंद करो अपनी, तुम मुझे क्या दे सकते हो? समाज में सम्मान, अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा मैं आपको, पूछ कर देखिए अपने उन आशिकों से, उनमें से कोई शादी करेगा आपसे, अपनी पत्नी बनाएगा आपको? नहीं बनना है मुझे किसी की पत्नी, मुझे कई लोगों के दिलों की महबूबा बन के जीना है। पत्नी, देख चुकी मैं पत्नी का दर्जा क्या होता है, पति के पैरों की जूती होती है वो, उसे छोड़कर लोग यहाँ चले आते हैं मेरे पास, मेरे तलवे चाटने के लिए, मेरे नाज उठाने के लिए। मुझे नहीं बनना है किसी के चरणों की दासी। और फिर तुम्हारी औकात? औकात बदल भी तो सकती है। बड़ा नाज है आपको अपने हुस्न पर, अब तो लगता है कि आपका नाज तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे चाचा, बड़ा आया नाज तोड़ने वाला, नौकरी से तेरी छुट्टी, जा मुंह काला कर, निकल जा यहाँ से। देखो नाक बीच में आ जाएगी, अब मामला फिट हो गया, जरा हुआ देखो तो। हाय राम, ये क्या है? तुमने तो मुझे नौटंकी की नकनी बना दिया। देखो टाइम बहुत कम रह गया, हमको गजल तैयार करनी है, तुम एक काम करो, कुछ करो हमारे साथ, हमरे ऊपर गिर जाओ। नहीं नहीं, तुम नहीं करो, बहुत वजन है, हमरे ऊपर बिजलियां गिराओ। सठिया गए हो क्या? तुम पर बिजली गिरी तो मेरा घर नहीं जलेगा। अरे घटाओं की बिजली नहीं, फूलन देवी क्या? मतलब मन की देवी। हाँ। अदाओं की बिजली, यहाँ जब 4440 वोल्ट का करंट लगेगा तो यहाँ से गजल निकलेगी। चलो जरा नखरा दिखाना तो। कैसे? मधुर मुस्कान से, नैनों के बांध से और इढ़लाती चाल से। अरे का भैंस की तरह खड़ी फुन फनाए रही हो, हिरनी की तरह इठलाए की चलो। लैला, चलती हूँ। ओ डीजल इंजन, वापिस हो, एक्सीडेंट करने जा रही हूँ का? नहीं। अरे जरा नजाकत से, फूल की भांति लहराए के चलो। अच्छा। ओहो, उत्पादन फुदक फुदक तू चाल चले, नाम तेरा हिरनी कोमल, ठुमक ठुमक खूले ठुमके, हम देख रहे हैं आंखें मलमल, दांत तेरे भुट्टे दाने, दिल छेद रहे हैं नैना चंचल, ये रूप तेरा भारी भरकम, हम प्यार करेंगे लड़े दंगल। सेठ जी है? अरे काहे को मतदान आवाज में बात करती हो यार? मैं नहीं। हाँ? कोई आया है। अरे काहे को मजा खराब करा, कौन है बे? कौन है भाई? पहचाना नहीं सेठ जी आपने? नहीं तो। मैं हूँ प्रेमी, अपनी लैला जान के कोठे पर। क्या करता है बे? हमारी मोटी लैला जान ने अगर सुन लिया तो हमको सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पिटवा काका। क्यों जी, इसका मुंह क्यों दबोचे हो? नहीं, हम यहाँ जरा खुशबू लगाए कि इसको सुंगा रहे थे ना। नहीं तो। नहीं, ये किसी कोठे का जिक्र कर रहा था। कोठा? अरे नहीं नानी जी, माफ करना रानी। हाँ। कोठा नहीं, कोठी, तुम ठीक को ठा समझ रही थी, जरा कान साफ करा लो, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, लैला जान भी कहा था। नहीं वो नहीं कहा था। हाँ कहा था। वो प्रेमी भी कहा था, मैंने सुना होगा आपने। सुना मैंने, तुमने कहा तुम प्रेमी हो। हाँ मैं प्रेमी हूँ, इसीलिए मेरी कोठी का नाम लैला जान है। कहाँ है वो? अपना यहाँ से नजदीक में बहुत दूर एक इलाका है, अरमान रोड, प्रेम नगर, चाहत बिल्डिंग। हाँ, मैं जाऊंगी वहाँ तहकीकात करने। जाओ, मगर वहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, घर से गिर जाओगी तो क्रेन भी नहीं उठा सकेगा। ठीक है, तहकीकात करूंगी, और बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं पति देव। सेठ जी, ये सेठानी मेकअप बहुत करती हैं। ये मेकअप है? आज ये पोता था बड़ी मुश्किल से मस्का पॉलिश लगाए के, जरा मामला फिट करने जा रहे थे तो तुम आगे भाग देने से टपक पड़े। वैसे पोतने के बाद आप क्या मामला फिट करने वाले थे? गजल उत्पादन का एक दिन रफ रफाई किया,
लैला जान कह रही थी कि बिना गजल के हम राजगढ़ नहीं जाएंगे तो हमारा तो मुंह काला हो जाता। हम ठाकुर दा को कौन सा चौकटा दिखाते? अरे यही चौकटा दिखाएंगे और बड़ी शान से दिखाएंगे। क्या ये लीजिए, एक फड़फड़ाती हुई गजल। गजल? ये तुम्हें कहां से मिली? आप ही के लेटर बॉक्स है। हमारे लेटर बॉक्स में? ये हमारे लेटर बॉक्स में रोज गजल कहां से आ जाती है? बस आ जाती है। इसकी लिखाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले गजल की थी। कैसे? बस आप इसे अपने लेटर बॉक्स का चमत्कार समझ लीजिए। तुम हमको का उल्लू का पट्टा समझते हो का? नहीं सर जी, भला मेरी ये कैसे मजाल हो सकती है कि मैं आपको उल्लू का पट्टा समझूं? अरे झंझोटिया सेठ सारी दुनिया को चूना लगा दे, तुम हमको चूना लगा रहे का? हैं? पहली गजल भी तुम लाया था ना, ये भी तुम लाया है। कनाडा के बलब सेठ जी। अरे बोला, सर का झुका खड़ा है। अगर आप उसे वादा करें कि आप लैला जान को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलो वादा, पक्का वादा। बिखरा दिया ना मैंने घूंघरू आपके। अब सोच क्या रही है, मेरा इनाम कहाँ है? कहाँ है? वो गर्मा गर्म। अब वादे से मुकर रही है आप? डर जाइए, आप भी क्या याद रखेंगे कोई टकराया था? देवर देखे उसके, बड़े नामुराद होके उसके कोठे से लौटे थे हम, लेकिन अब वो हमारे इलाके में आ चुकी है, समझ गए ना तुम? अरे हो, बताने क्या समझती अपने आपको? लुच्चे लफंगे। हाय, ये होश में आते ही आप मुझे मानपत्र क्यों देने लगी भाई? मुझे बेहोशी की दवा तूने ही सुंघाई होगी। मेरी आबरू पे हाथ डालना चाहता है तू, इसीलिए मुझे हवेली से उठा लाया। सरकार, आप पर वो इनायत करने वाले कुछ और लोग थे, मैंने तो उन गुंडों के चुंगल से बचाया आपको। तू मुझे चकमा नहीं दे सकता, शाम से तेरी नीयत खराब है मुझ पर। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे होश आ गया, वरना तू न जाने क्या कर डालता। अच्छा वो न जाने क्या? बाप की जगह हुजूर, न जाने क्या तो मैं आपके होश में आने के बाद भी कर सकता हूँ। बचकर दिखाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बचकर दिखाइए।
छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? सामने शबाब है, नियत खराब है, ये तन्हाई कबाब है, और इस कबाब में हड्डी बनने वाला भी कोई नहीं। सोचता हूं कि वो न जाने क्या जो है ना, वो कर डालो। मुझे छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ूं? मैं तुमसे विनती करती हूँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दिया। अब तो यकीन आया कि आपको उठाने वाला मैं नहीं, कोई और थे। हम तो सिर्फ आपके नाज ही उठाना जानते हैं, मगर आपका ये नया आशिक तो आप ही को उठा लाया ठाकुर साहब की हवेली से। घटा छाने लगी है, जान छुपते ही भयानक अंधेरा। मुझे जल्दी हवेली पहुंचाओ। हवेली? हवेली यहाँ से कोसों दूर है सरकार, और रास्ते में घना जंगल है। वैसे वहां दूर एक छोटा सा गांव नजर आ रहा है, बेहतर होगा रात वहीं काट ले। मोरनी की चाल छोड़िए और जरा हिरनी की चाल चलिए। देख नहीं सकते, कंकड़ चुभ रहे हैं। कंकड़ चुभ रहे? ए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हुजूर, आपके नाजुक तलवों को कंकड़ों की चुम्मियों से बचा रहा हूँ। एहसान मानिए, इतना भारी बोझ उठा रहा हूँ। ओ सुग्गी, द्वार खोल ना। अरे मैं ज्यादा नहीं पी, वो बुढ़वा ने बाथरूम में थोड़े सा। छोड़। अरे देखो ये कौन आ रहे? मेरा भी बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। इन्हें लादे का हो बाबूजी? लगता है दरस शुरू हो गया है, इन्हें बाप बनावेंगी। वो तो अगले साल का प्रोग्राम है। छोड़ बदतमीज। अरे ये तो शेरनी है। शेरनी? जी हाँ, शेरनी तो है, मगर फिलहाल फीकी बिल्ली बन चुकी है। भटके में मुसाफिर है भैया, रात काटने के लिए आसरा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती आप लोगों की। देखो बाबूजी, ये लीजिए लालटेन, और पीछे वो दरवाजा हमारे भंडार का है, वहाँ चले जाइए। जाइए जाइए। अरे भैया सुनिए। कहिए बाबू साहेब। ऐसा है कि हमारी शेरनी के दांत किटकिटा रहे हैं, भीगे कपड़ों में बड़ी सर्दी लग रही है इन्हें। अरे तो उनसे कहिए कि कपड़े उतार दे। आपका क्या ख्याल है, सलाह पूरी नहीं है? बदमाश बाबू साहेब, उन्होंने कपड़े उतार लिए हो तो ये चादर लपेट ले, और ये दूसरी चादर आपके लिए है। शुक्रिया। तुम बाहर जाओ। क्यों? ऐसे तूफानी बरसात में और भीगने के लिए? आपके इश्क का निमोनिया कम है क्या? आप मुझे डबल निमोनिया देना चाहती हैं? मैं तुम्हारे सामने अपने भीगे कपड़े उतारूंगी। ओह, मैंने इतनी दूर की सोची ही नहीं थी। लीजिए मैं आपकी तरफ पीट करके बैठा हूँ, ये लीजिए। अब आप अपनी वस्त्र उतारण क्रिया आरंभ कर सकती है। देखो, तुम पलट कर देखोगे तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं देखूंगा। हाँ, अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप सामने चले आइएगा। क्या? क्या? हाँ। बदतमीज, मैं उतना जलील कहेगा। अबे दिल पर आरी चल रही है भैया। गाँव खुश नहीं भैया,
हमारी शेरनी चूहे से डर गई। इस चादर में भी सर्दी लग रही? हाँ। अब तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का। क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में, जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। हाँ? इधर क्यों आते हो? सर्दी मिटाने? मुझे नहीं मिटानी है सर्दी। आगे मत बढ़ो। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हारी नीयत खराब नहीं है, तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। देखो, तुम वापस चले जाओ, वापस जाओ। नहीं, अब तो मैं सर्दी मिटा कर ही जाऊंगा। नहीं, मेरी चादर भी ले लीजिए सरकार, जिस्म की गर्मी वाला नुस्खा फिर कभी आजमाऊंगा। बात तो सुन सके, सुनना। अरे तू काहे चिताव दे रही है? अब कभी देर से नहीं आई है, तेरे पैर पड़ता हूँ मैं। अब तो मान जा सुखी, मान जा, मान ना। क्यों, अब भी आप पत्नी को पैरों की जूती कहेंगी? अब तो रहा नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूं। कहां? बाहर भीगने के लिए। क्यों? अंदर का तापमान बहुत बढ़ रहा है, मेरी आबरू खतरे में है। ठाकुर साहब, ये क्या अंधेर हो गया? रातों रात आपके हवेली से मेरी बिटिया उठवा ली गई। पहरे पे तू था हरामखोर, तेरे होते ये जुरत किसने की? क्षमा करे माई बाप, किसी ने कुछ सुंघा कर मुझे बेहोश कर दिया था। चंद्रा भाई, प्रेमी लैला के साथ जुगलबंदी जमाने हिया तो नहीं आया? सवेरे से नजर ही नहीं आया। समझ गई, लैला ने उसे थप्पड़ मारकर कोठे से बाहर निकाला था। वही हरामजादा मेरी बिटिया को उठा ले गया। मैं लुट गई ठाकुर साहब, मैं लुट गई। चंद्रा भाई, गलत बात मत करो, तुम लोग तो 25 साल पहले गई थी, अब काय कलेजा पीट के रो रही हो? आप लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हैं? मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा चंद्रा भाई, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। राम राम चौधरी। राम राम। बाबूजी, हमारे गांव की चौधरी है। नमस्ते। कौन है ये लोग? रास्ता भूल गए रहे, बड़ी हवेली में राजगढ़ में ठहरे हैं, बड़े लोग हैं। बड़े लोग? हाँ। लेकिन इनका पहनावा तो हमारे जैसा है। अरे रात बरखा हुई गई रही ना, तो बीवी जी के कपड़े भीग गए, तो हमारे घरवाली ने अपना जोड़ा दे दिया इनको। अच्छा अच्छा, आज हमारी धोबी बिरादरी में सुहागनों का त्योहार है, आप पति पत्नी भी शामिल होंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। हाँ जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। लड़की, तिलक लगाओ। चलिए पत्नी जी। ये क्या भद्दा लिबास पहन रखा है? इसी लिबास में मैंने जिंदगी को समझा है बेनी बाबू, जीने का मकसद पाया है। हम भी किसी मकसद से आपके कोठे पे आते हैं सरकार, अब आप हमें मुजरा दिखाएंगी या नौटंकी? नहीं होगा मुजरा। लैला, कई दिनों से हमारी आंखें तरस रही हैं, कान तरस रहे हैं। लैला जान मर गई। लैला जान, अब मैं लैला जान नहीं, लीला बन के जीना चाहती हूँ, सिर्फ एक ही बन के जीना चाहती हूँ। इसलिए आप सब लोग एक बात गौर से सुन लीजिए कि आज के बाद
इस कोठे पे लैला जान का मुजरा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हैरान हूँ लैला जान, उस फाके मस के चक्कर में तुम जैसी समझदार लड़की आई कैसे? समझदार हूँ इसीलिए बेनी बाबू। वो मुआ प्रेमी राजगढ़ आ धमकाता बेनी बाबू, न जाने इस पर कैसा जादू कर दिया। ये निगोड़ी अपने तमाम रईस चाहने वालों को उसके लिए छोड़ रही है। माँ, ये रईस चाहने वाले मेरा जिस्म पाने के लिए सिर्फ अपना रुपया बहाना जानते हैं। मुझे सुख देने के लिए प्रेमी अपना पसीना बहाएगा, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए वो अपना खून तक बहा देगा। ये लोग मुझे रखेल का दर्जा देंगे, उसने मुझे देवी का दर्जा दे रखा है। ये लोग वासना के पुजारी हैं, वो मेरा पुजारी है। माँ, मेरा सच्चा आशिक सिर्फ प्रेमी है। क्या चटेगी उसका इश्क? उसकी बनेगी तो दो वक्त की रोटी भी तुझे पेट भर नसीब ना होगी। लैला, तू नाजों से पली है बेटी, प्रेमी के घर जाएगी तो दिन रात कामकाज करना पड़ेगा, तुझे नौकरानी की जिंदगी गुजारनी होगी। गुजार लूंगी माँ, अपने प्रेमी के घर की रानी बनने के लिए नौकरानी की जिंदगी भी मैं गुजार लूंगी। झाड़ू दूंगी, कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी, मैं हर तकलीफ को खुशी से झेल लूंगी माँ। प्रेमी की पत्नी बनने के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। तुम्हें मंजूर होगा लीला, मगर मुझे मंजूर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेमी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे ब्याह करोगे, मुझे अपनी पत्नी बनाओगे। बनाऊंगा जान, मगर मुझे मंजूर नहीं कि मेरी पत्नी बनने के बाद तुम किसी भी किस्म का दुख झेलो। तुम्हारा पति बनने के बाद तुम्हें हर वो सुख देना चाहता हूँ जो खाते पीते घरों की पत्नियों को मिलता है। तू खाता पीता कब से हो गया कंगाल? लैला जान को सुख देने के लिए तेरे पास धराई क्या है? ए बहनी बाबू, कम से कम तुम तो ये मत कहो कि इसके पास का धरा है। अरे इसके पास शायरी का वो खजाना है जो आज तक तुम लूटते रहे। इसकी गजलें तुम लैला जान को सप्लाई करके अपना मामला फिट करना चाहते थे। प्रेमी, क्या ये सच है? वो गजलें तुमने लिखी थी? बोलो प्रेमी। अरे अब ये बेचारा कहा बोलेगा, इस गुरु घंटाल ने से वचन लेके इसकी जबान पे ताला फिक्स कर दिया है। मगर हम बताते हैं लैला जान, आज तक जितनी भी गजलें हम तुम्हें देते रहे ना, वो हमारी नहीं थी, वो प्रेमी की थी। मैं जानती थी मैं कि दोनों की गजलों का शायर एक ही है, मगर आज मालूम पड़ा कि मेरा प्रेमी है वो शायर। सिर्फ शायर होने से क्या होता है लैला जान, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दौलत, जो इस जैसे शायर को भी खरीद सकती है। इसकी शायरी के लिए मेरी दौलत को मत ठुकराओ। मैंने एक बढ़िया इंसान के लिए एक घटिया आदमी को ठुकराया है बेनी बाबू। प्रेमी गरीब सही, गुमनाम सही, मगर बहुत ऊंचे चरित्र का है जो मैंने राजगढ़ में परखा। लैला जान, अब प्रेमी ज्यादा दिन गरीब और गुमनाम नहीं रहेगा। चंद्रा भाई, आज 26 तारीख है, याद रखना अगली 26 तक ये दौलत कमाकर नाम कमाकर तोरी कोठी पर आएगा तोरी बिटिया का हाथ मांगने के लिए। ये हमारी गारंटी है। चल बेटा। और बहनी बाबू, ये लड़की घटिया आदमी का टाइटल तो तुम पे फिट कर चुकी है, अब हमसे का बेशरम का टाइटल लेना चाहते हो? शट अप। जैसन तुहार मर्जी, मगर चंद्रा भाई याद रखना 26 को ये आ रहा है, उस दिन राजगढ़ वाली को त्रुप की चाल मत चलना, वरना उस त्रुप पे हम अपना पपलू फिट कर देंगे। चल। आज मुझे खूब सजा दे चमेली, आज मेरा प्रेमी आने वाला है। उनको जो माल दे उसका साथ देता है।
प्रेमी, तुम्हारी ये हालत किसने बना दी? प्रेमी आंखें खोलो प्रेमी, ये क्या हो गया प्रेमी को? बेहोश है मगर जिंदा। अगर तू इसकी जिंदगी चाहती है तो जो मैं कहूँ वही करना होगा, वरना देख उधर। माँ, तुम प्रेमी की जान लोगी? अगर अगर तुम तो हमारी शादी के लिए राजी हो गई थी। मनचली लैला को कोठे पे वापस लाने के लिए राजी हुई थी। अब ये कोठे से जिंदा जाए या मुर्दा, ये तुझे तय करना है। कैसी तबीयत है बेटे? तुम्हारी हालत किसने बनाई? सिर्फ बेनी बाबू जानते थे कि 26 तारीख को मैं यहां आने वाला हूं। उसी ने गुंडे भेजेंगे इससे पहले कि वो कोई और चाल चल दे। आप मेरी शादी लीला के साथ कर दीजिए। मुझे तो बेटी को सुखी देखना है प्रेमी। वो जिसे पसंद करे वही मेरी पसंद होगी। उसने मुझे पसंद किया है माँ जी। लीला, ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे प्रेमी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पहलू में इनके बैठकर? अरे हाँ, अखबार में तुम्हारा फोटो देखा। आखिर तुम कुछ बन ही गए। बड़ी खुशी हुई मुझे। तेरी या चरित्र की बातें मत करो।
तुम तो लैला से लीला बन चुकी थी। तुम्हारे लिए बनी थी प्रेमी, वरना तुम हमेशा फाके मत बने रहते। भाई तुमने राजगढ़ में हमें काफी मुसीबतों से बचाया, बहुत एहसान किया मुझ पर। मुझे तुम्हारे एहसानों का कर्ज चुकाना था, तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, तरक्की करने की प्रेरणा देने के लिए मैं लैला से लीला बनी थी प्रेमी। बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे लीला, जी नहीं सकता हूं मैं तुम्हारे बगैर। मुझे प्रेरणा देकर मेरे साथ विश्वासघात मत करो तुम। हम दोनों ने ब्याह करने की कसम खाई थी, तुम्हें सुख देने के लिए मैं दिन रात जुटा रहा। एक एक घर, हाँ एक फ्लैट, सुना है मैंने तुमने मेरे लिए एक फ्लैट खरीदा है। कितने कमरे हैं उसमें? एक दो तीन, बेनी बाबू की कोठी से तो बेहतर नहीं है वो? तुमने तो खुद देखी है कितनी आलीशान है उनकी कोठी। वो नौकर चाकर गाड़ी ऐशो आराम की जिंदगी तुम मुझे कहां से दे सकते हो? प्रेमी मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, अब मैं फिर से लैला जान बनकर बेनी बाबू की आलीशान कोठी में रहने जाऊंगी। यकीन नहीं आता मुझे, यकीन नहीं आता कि एक महीने में तुम इतनी बदल कैसे गई। प्रेमी मेरे लिए तो तुम इसके आलीशान महल को ठुकराने के लिए तैयार हो गई थी ना, सारी मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हो गई थी तुम। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारी प्रेरणा के लिए ये सब कुछ किया मैंने। जाओ प्रेमी जाओ, मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने दो। कितना मूर्ख था, कितना मूर्ख था मैं। तुम्हें देवी के मंदिर में क्या देख लिया, देवी समझ बैठा तुम्हें, मगर तुम निकली सर से पांव तक तवायफ की तवायफ। बेटी माँ, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई ना, आज तो तुम बहुत खुश होगी, तुमने मुझसे मेरे प्रेमी को अलग कर दिया। लेकिन आज ये बात भी सुन लो, मरते दम तक उसके सिवा मैं और किसी की भी नहीं बनूंगी। उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। चले जाओ तुम दोनों यहां से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है, अब तो बस आपकी आज्ञा चाहिए सिर जी। एक दिन और नहीं रुक सकते हो क्या तुम? नहीं सेठ जी नहीं, इस शहर से मन भर गया है मेरा, आज ही अपने गांव लौट जाऊंगा बस। हाँ इतना है कि मरते दम तक आपके एहसानों को नहीं भूलूंगा। नहीं चंद्रा भाई, मैं आज तक चुप रहा, तुम्हारा साथ देता रहा, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहा जाता। मैंने तुम पे क्या जुल्म किया खान साहब? तुम उस बच्ची पर जुल्म कर रही हो जो मेरी बेटी जैसी है, वो तुम्हें काफी कमा के दे चुकी है चंद्रा भाई, अब उस बेचारी को अपनी जिंदगी सवारने दो, उसे प्रेमी की दुल्हन बन जाने दो। कोठी की संतान सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन बनती है खान साहब, उम्र भर के लिए नहीं। वो दौलत के तराजू में तुलकर अपनी नत उतरवाती है, ब्याह करके सुहागरात नहीं मनाती। काला पदम,
ये हम कहीं देखा है? कोई सुंदरी के तलवे में? हाँ? सुंदरी मतलब बच्ची, देखा तो है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भैया, उस दिन तुम जख्मी हालत से कोठे से नीचे उतरे थे, बेनी बाबू का सिगार लेकर हम ऊपर पहुंचे थे, बैठक में खड़े खड़े हम सब बातें सुने, तुम्हारे जाने के बाद फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ को बेनी बाबू को खूब बातें सुनाई और कहने लगी अगर वो तुम्हारी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनेगी, अपनी जान दे देगी, खत्म कर लेगी अपने आप को। मुझसे आपका ये दुख अब और नहीं देखा जाता लैला जान, कुछ लाई हो आपके लिए? प्रेमी का खत है। लीला मेरी जान, चंद्राबाई की चालबाजी और तुम्हारी मजबूरी का पता चल चुका है मुझे। तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं कोठे पर नहीं आ सकता, मुझे मौत का डर नहीं लेकिन अपनी लीला के साथ जीने का अरमान है दिल में, इसीलिए आज दोपहर तक तुम किसी भी तरह कोठे से निकलकर दरिया महल के पास मुझे मिलो, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, आज ही हमारा ब्याह हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकेगी। तुम्हारा प्रेमी। लैला बेटी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ उस्ताद जी, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन कहाँ? उसी प्रेमी के पास, और कहाँ? ये चुड़ैल चमेली जरूर कोई संदेश लाई होगी इसके पास, खबरदार जो कोठे से कदम बाहर निकाला। अब तो टूटती हुई बिजलियां, आंधी या तूफान भी मुझे नहीं रोक सकता माँ, तुम रोक सकती हो तो रोक लो। हाँ। मुझे दीवे दिखाती है लौंडिया, अभी मजा चखो। चंद्रा भाई, इस लड़की ने तुमको माँ का मकाम दिया है, माँ ही बनी रहो तो अच्छा है, अगर दूसरा रूप दिखाया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जा बेटी जा। बाबा, अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे, देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। उस्ताद जी, लीला कहाँ है? मिली नहीं तुम्हें? वो तो चमेली के साथ तुमसे ही मिलने गई थी। मुझसे मिलने? हाँ। कहाँ? मेरे ख्याल से चमेली तुम्हारे नाम से उसके पास कोई संदेशा लेकर आई थी। पर मैंने कोई संदेशा नहीं भेजा उस्ताद जी। या अल्लाह, उस बच्ची के साथ किसने किया ये फरेब? और कौन हो सकता है? ये बेनी बाबू और चंद्रा भाई ने मिलकर कोई साजिश रचाई होगी उसके साथ। अरे चिंता नहीं करो, हम आ गया हूँ बहनी की फैनी बनाने और उस कुठनी की चटनी बनाने, हमको बताओ कौन साजिश हुआ रचाया। अरे वो लोग फिर चकमा देकर मेरी लीला को कहीं ले गए। उस्ताद जी, आप भी कुछ कीजिए ना, पता लगाइए ना मेरी लीला कहाँ है। कैसे पता चलाओ बेटे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे दिल छोटा नहीं करो, हम है ना, हमारा नाम का है झंझोटिया, तो झंझोर डालेंगे। चलो प्रेमी तो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आइए आइए, जाने मन भूल जाओ उस फटीचर प्रेमी को और आ जाओ इस सच्चे आशिक की बाहों में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार, प्रेमी के नाम से वो खत मैंने भेजा था। झूठ, लिखाई प्रेमी की थी? उसकी लिखाई की एक गजल मेरे पास मौजूद थी, लिखाई के एक्सपर्ट को दिखा दी और अपने मतलब का खत लिखवा लिया। अरे जाने मन, छोड़ मुझे। अरे आज तक छोड़ता ही तो आया हूँ लेकिन आज हमारा मधुर मिलन होकर ही रहेगा। माँ, मुझे बचा लो। अरे किसको पुकार रही है? अपनी माँ को। ये तेरी नथ उतारने की कीमत मुझसे ले चुकी है। हे दुर्गा माँ, मेरी बेटी की रक्षा करना। जानमन, काली दुर्गे नमो नमः, Namo Namo।
लीला 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 काली दुर्गे नमो नमः काली दुर्गे नमो नमः पतिव्रता देवी का सुहाग ना उजड़े इसलिए तुम्हारी जान बचाई है, माफी मांगो इनसे। चौंको मत बहन जी, ये आप ही की प्रॉपर्टी है। इसके पैर में जो निशान है वही जो पैदा होने से पहले भगवान इसके तेलवे पे फिक्स कर दिया रहा, ये वही है। मेरी बेटी, बेटी। ये सच है बेटी, तुम्हें जन्म देने वाली माँ ये है। तुम दूध पीती बच्ची थी जब चंद्राबाई तुम्हें चुरा कर ले भागी थी,
मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह गवाह है बेटी, अल्लाह गवाह है। बेटी, माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वर्षों के बाद मुझे मेरी बेटी मिल गई। बहन जी, आपकी बच्ची तो मिल गई। हमरे बगल में हमारा एक बच्चा खड़ा है उम्मीदवार, अगर उसको भी यहाँ फिक्स कर दें तो लैला मजनू की जो कहानी जो हजारों साल से अधूरी है पूरी हो जाएगी। तुमने शादी कर ली हो, मुझे बताया भी नहीं। वो छोटे मैं... चौधरी, तुम अपनी फिक्र करो, इनकी फिक्र मत करो, चलो। दूल्हे भाई आपको आपा जान बुला रही है। आओ, किसी को हिंदुस्तान बुलाता है, किसी को पाकिस्तान और किसी को कब्रिस्तान, और मेरे को आपा जान। असल में बचपन से ही ये पोट्टा पोट्टी मेरे साथ सोए, मैं ही इनको पाली, इसके वास्ते हाँ, पाला होगा, ये लोगा तुम्हारा साथ सोया होगा, ये सब क्या है भाई? चुप। देखो बच्चों, तुम लोगा बड़े हो गए ना, जाकर दूसरे कमरे में सो। अरे रे 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 चुप। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यही चीज हो जाना। शब्बो रानी, ये सब के सब कब तक सो जाएंगे भाई? 2-3 घंटे तो जाएंगे। तब तक मैं इंतजार कर लेता, इंतजार में और भी मजा बढ़ जाता ना, है ना? कौन सी चीज का मजा? चुपचाप सो जाओ। यतीम बच्चे हैं, इन पर रहम कीजिए, रहम करेंगे तो खुदा आपको फल जरूर देगा। कोई बात नहीं शब्बो, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता। बेटा, ये भी कोई दहेज हुआ? हम तो ये सोच कर खुश थे कि शेर का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ा कह रहे थे दीवान साहब का परिवार है, बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे कि घर में रखने की जगह नहीं होगी। अरे तुम तो खामखा मुझ पर गर्म हो रही हो। मैंने नहीं, निरंजन ने कहा था, उसको बोलो। अरे निरंजन कोई लाट साहब है जो उसे नहीं बोलूंगी। बोल बेटा, पड़ोसी का घर किराए पर ले लूं दहेज रखने के लिए। अरे बेटा, इतना तो सोचा होता कि बच्चा भी जब तक मुंह खोल के रोता नहीं, उसकी माँ तब तक उसे दूध नहीं पिलाती। हाँ, एक बात याद रख ले, तू बाप के कहने पर चलेगा ना तो ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा। हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है? आएगी इसलिए कि हर बात की जड़ तुम हो। अरे क्या हो गया है? देख बेटे, बात अभी पूरी तरह से बिगड़ी नहीं, जरा अकल से काम लेना होगा। समझ लो, ससुराल एक कुआं है, बीवी एक बाल्टी, बाल्टी को कुएं में डाल दो, पानी को खींचते रहो खींचते रहो। देखा माँ, पिताजी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है। ये मेरा नहीं, चरस पीने वाले तुम्हारे पति का आइडिया है, जिसने तुम्हें बाल्टी बनाकर यहाँ कुएं में लटका दिया और पानी को खींचता रहता है खींचता रहता है। बहू मई के जात हो। बहुत सुंदर लग रही, चलो जल्दी चलो। पल्लू ठीक करो, आराम से चलो बहू रानी। हाँ संभल के जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाभी, याद है द्वार छिकाई के दिन तुम मुझे कुछ देने वाली थी? हाँ, लेकिन आपने कहा था कि बाद में मांग लूंगी, मगर आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। आज मांग लो भाभी, अपना ये मांग टीका मुझे दे दो ना। इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। देना है तो यही दो, वरना कुछ नहीं लूंगी। अरे क्या कहती हो कल्पिता, ये उसकी माँ की निशानी है। अरे निशानी है तो क्या हुआ, क्या ये इसे खा जाएगी? बहू का जब जी करेगा पहनने का, ये उसे वापस दे देगी। अब ले दे के एक ही तो भाभी है बेचारी की, अब तुम ही बताओ ना बहू, तुमसे न मांगे तो और किससे मांगे भला?
ठीक है, वापस आकर दे दूंगी। अरे तुम्हारे यहाँ आने तक कौन सी यहाँ बैठी रहेगी, आखिर ये भी तो ससुराल जाएगी। 10 बार तो खबर आ चुकी है कि जल्दी आ जाओ, और हम है कि भाभी के मोह में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है। ये लीजिए। देखा कितनी खुश हो गई बेचारी। माँ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, क्या जच रहा है इस पर, बुरा मत मानना बहू, चाहे जितना भी रोको सही चीज सही जगह पर पहुँच ही जाती है। चल। आओ बेटी आओ, चलती हूँ, बैठो। चली। मैं अभी आई। नमस्ते पिताजी। आओ बेटा आओ। आज सुबह से ही छत पर कवा बोले जा रहा था। लीजिए पिताजी। अरे इसे खत्म भी करो, क्या इन्हें दरवाजे पे ही रोके रखोगी? अंदर जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब जीजा जी कुछ रिश्वत देंगे, यानी द्वार छिकाई। ये लो। एक सिक्का, वो भी खोटा, कुछ नहीं चलेगा। अरे ओ जीजा जी, उधर नहीं इधर, यहाँ बैठिए। जीजा जी गिर गए, जीजा जी गिर गए। जीजा जी, पीठ की तरफ साबुन हम लगा देते हैं। इसमें कोई शरारत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। खुद ही लगा लीजिए। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो बेटे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इंजीनियरिंग पास करने के बाद कहीं नौकरी करना नहीं चाहा। मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन भी पास करा लिया है। वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 10 लाख रुपए अपने लगाने होंगे। अगर ये काम हो गया तो फैक्ट्री 3-4 महीने में ही शुरू हो जाएगी। फिर तो सारे रुपए 1 साल में ही वापस आ जाएगा। अब कहीं हाथ फैलाने से बेहतर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपसे ही बात की जाए। बेटे, आदमी अपनों से अपनी बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? लेकिन जहां तक रुपयों का सवाल है बेटे, इतने रुपए हमारे पास नहीं। अगर आप अपने रिश्तेदारों से ले लेंगे तो? अब तक सिर्फ इतनी इज्जत बाकी रह गई है कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अगर तुम लोगों के लिए हमने किसी के सामने हाथ फैला भी दिया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। बेटे, जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो उसे सहारा देकर खड़ा करने वाला कोई नहीं मिलता।
सारे लोग उसकी लकड़ियां काट काट के घर ले जाने की ताक में लगे रहते हैं। फिर आजकल के रिश्तेदार भी तो ऐसे ही है बेटे। निरंजन बाबू, अगर आपको रुपए के लिए ही शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते, मैं 10 लाख दे देती। तो अब शादी कर लेते हैं, लाओ 10 लाख। ना बाबा ना, कोई मुझे पहली बीवी बनाएगा तब इतनी कीमत चुकाऊंगी, दूसरी बीवी तो मैं सबकी हूँ ही। क्यों? अगर तुम्हारे पास सचमुच 10 लाख रुपए हैं तो दो ना। तौबा कीजिए, अगर इतने रुपए मेरे पास होते तो मैं अभी कोठे पर नहीं कोठी में नजर आती। चलो इतने रुपए ना सही, कुछ तो बचा कर रखा ही होगा। कुछ तो बचा कर रखना ही पड़ेगा, वरना बुढ़ापे में सितारा बाई की तरह पानी लगाते रहना पड़ेगा। निरंजन बाबू का पैगाम है कि वो वापस अपने गांव चले गए। उन्होंने और कुछ कहा? जी और कुछ नहीं कहा। आप कौन है? आप मेरे बारे में ना ही जाने तो बेहतर है। आदाब। अगर 10 लाख रुपए देने की हमारी हैसियत होती तो निरंजन बाबू आज हमें इस तरह छोड़कर नहीं चले जाते। पिताजी, कल मैं वापस जाना चाहती हूँ। इस तरह नहीं जाते बेटी, वरना लोग ये भी कहेंगे कि बेटी हमें बोझ लगने लगी इसलिए हमने उसे फौरन पीछे पीछे भेज दिया। लोगों का काम है शादी में शामिल होना, लेकिन रिश्तों को निभाने का काम हमारा होता है। तुम बेटी तो बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे अच्छी तुम बहू हो। तुम बार बार यह एहसास दिलाती हो कि तुम जैसी औलाद को पाकर ये दीवान कंगाल नहीं रहा, धनवान बन गया है। नेहा, पिताजी का ख्याल रखना। दीदी, आप ससुराल नहीं गई? कोई आएगा तभी तो जाऊंगी। मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं कि खुद ही अपना सामान उठा के उठल्लू की तरह ससुराल चली जाऊं। इस तरह तो अगर ये जाना भी चाहेगी ना तो भी नहीं भेजूंगी। भाई, हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें ये बोझ लगेगी? क्यों भाभी, आपको कोई पहुँचाने भी नहीं आया? दीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया। भाई, खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है। अरे ये क्या बहुरानी, अरे इस घर में खुद का बोझा उठाना मुश्किल है, ऊपर से तुम ये बोझा उठा रही हो। नहीं नहीं बने मियाँ, ठीक है। मैं नहीं हूँ क्या इस बोझ को उठाने को? आओ। छोटे चौधरी, बहुरानी आई है।
आप इस तरह अचानक हमें छोड़ के चले आए। मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी, पता नहीं क्या हो गया। दीवान साहब से नहीं पूछा कि क्या हुआ? डैडी की जो हालत है वो उन्होंने आपको बता ही दी थी, वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रखते थे? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है, उसी से तो हमारी शादी हो पाई है। उसे बेचा भी तो जा सकता है। तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी नेहा की शादी भी तो करानी है। सबको अपनी अपनी चिंता है तो रहे, मेरी भी जो समझ में आएगा मैं वही करूँगा। तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? नहीं। हम कम पैसों में भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं और वक्त आने पर हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। वक्त आता नहीं, लाया जाता है। बहू जी, कल्पिता के सर में इतना दर्द है कि वो तड़प रही है, इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना। जी हाँ। सुना तुमने, तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर देख लिया, चुल्लू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम डूब कर मर सको। हर बात घूम फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम्हें शौक चल रहा था ना दीवान साहब का समधी बनने का है? अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो? अरे हो सकता है बहू कुछ शुभ समाचार लाई हो। शुभ समाचार लाती ना तो निरंजन उसके कमरे से गुस्से से बाहर नहीं निकलता। अब तो मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। तुम ना बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हो। वो कैसे? अरे तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? उसका पत्थर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें दूसरा पत्थर लगाने को दिया है। बाहू भी सूट नहीं कर रही है, उसका क्या करे? बाहू और पत्थर में बहुत फर्क है, पत्थर तो आसानी से निकल जाता है लेकिन बाहू वो खुद ही निकल जाएगी। वो कैसे? अरे पानी भी बूंद बूंद गिरे ना तो पत्थर कट जाता है, और अपनी बहू तो मिट्टी की बनी है, पहली ही बारिश में गायब हो जाएगी। बिल्लू भैया आया। बहू रानी, बड़ा दुख देना नथनिया ने। बोलिए। आप टेबल पर खाना लगा दीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। अच्छा। खाना आज भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लो बेटा ये ले। अरे भैया को भी दो ना सब्जी, ये ले बेटा। ये लो बेटा। अरे रे रे, इसमें नमक कितना ज्यादा हो गया। थू। अरे बहू तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चटा दो। माँ जी, नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। पानी दे छोटी, पानी दे जल्दी। अब क्यों जान निकल रही है? खुद ही तो बिना माँ की बेटी को उठा कर ले आए। अरे माँ होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना, सब तुम्हारा ही किया धरा है, भोगो आप। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है। माँ जी मैं फिर से खाना बना दूँ? बस बस रहने दे बहू, खाना हम बना देंगे, तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर। जी। याद रहे मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। बाबा की बिटिया पर आई झर झर में है रसवन
बेचारे के हाथन की मेहंदी तक नहीं छूटी है और इतना ढेर सारा काम। बाप रे बाप, इतने बर्तन। आओ, लगता है चौधरायन ने पड़ोसियों के बर्तन भी इधर ही मंगा लिए। क्यों, हमारे अपने घर में बर्तन कम है क्या? वैसे भी अपना काम खुद ही करना चाहिए। काम करते रहने से सेहत भी ठीक रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो मेरे घर के मामले में टांग अड़ाई तो समझे। अरे इतने बर्तन, जाओ चलो यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। बड़े आए थे उसके हम दर्द बन के। लेकिन एक बात तो है मम्मी। क्या? तुमने बेचारे को कुछ ज्यादा ही बर्तन दे दिए हैं। अरे मैं तो और देने वाली थी ताकि रात भर घिसती रहे। वैसे भी निरंजन रात भर आने वाला नहीं है। वो कहाँ गए हैं? बैंक मैनेजर से मिलने गया होगा। इसी महारानी की वजह से तो सारा मामला खराब हुआ है। मैनेजर को पटाने के लिए दारू वारू पिलाएगा और सुबह को लौटेगा। माँ खाना तैयार है। अच्छा चल। मैं चाहूँ तो आपके बेटे को फांसी के फंदे से बचा सकता। आइए, आप वकील हैं? जी नहीं। जज हैं? नहीं। फिर कौन है आप? अजी, तुम्हें आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से? आप कोई भी हो, अगर आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं, तो बचा ले। उसके लिए आप जो मांगेंगे हम देंगे। सोच लीजिए, हम कीमत कुछ ज्यादा ही मांगने वाले हैं। जरूर देंगे। बोलिए क्या चाहिए? रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद? बोलिए बोलिए। मुझे एक रात के लिए आपकी बहू चाहिए। क्या? एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे की लाश से भारी और कोई चीज नहीं होती। अपने इन हाथों की ताकत को संभाल कर रखिए, वरना अपने बेटे की लाश कैसे उठा पाएंगे? अब तो इन कांधों पर शॉल भी नहीं रख पाते, फिर बेटे की अर्थी कैसे रख पाएंगे? वैसे फांसी से ज्यादा तकलीफ नहीं होती, सिर्फ गर्दन जरा सी लंबी हो जाती है और जबान थोड़ी सी बाहर आ जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है चौधरी साहब, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कफन और लकड़ियां तो आप खुद बेचते हैं। अगर आप अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। और याद रखिएगा, परसों अदालत का फैसला है और कल की रात हमारे और आपके फैसले की रात होगी। हे माँ, मेरे बेटे को बचा ले। वही तो मेरे कुल का दीपक है, हमारी बुढ़ापे का सहारा। वो नहीं रहा तो क्या रह जाएगा हमारे पास? हमें इतनी बड़ी सजा मत दे। चौधरी जी, आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप जरा ख्याल कीजिए वरना मर जाऊंगा तो अच्छा ही होगा। मुझसे भी निरंजन की लाश देखी नहीं जाएगी, उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। हे माँ, अब तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है, तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है माँ। पूजा,
अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है, तुम अपनी इज्जत की बलि चढ़ा दो। तुम्हारे नहीं कहने से कुछ नहीं बदलने वाला, सोच लो तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए या अपने पति की जान। इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती। तो फिर अपनी इज्जत संभाल के रख, मर जाने दे अपने पति को, लेकिन याद रखना जान भी एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती। ये भी याद रख, निरंजन की मौत के बाद इस खानदान से जितनी भी लाशें उठेंगी उसकी जिम्मेदार भी तू होगी। सारी बर्बादी तुम्हारे हिस्से में लिख दी जाएगी। भूल गई वो कसमें जो तुमने फेरे लेते वक्त खाई थी? भूल गई? वक्त बहुत कम है, जल्दी फैसला करो तुम्हें क्या चाहिए। बैठिए। मुझे विश्वास था कि आप आए और आप आ गई। इस तरह से मेरी तो जीत हुई। मर्द की जीत तब होती है जब उसकी मर्दानगी की जीत हो। अगर मैं आपको बहुत पसंद आ गई थी तो मुझे अपने प्यार में इतना पागल कर देती कि मैं आपके पास भागी चली आती, तब आपकी मर्दानगी की जीत थी। लेकिन ये क्या, किसी को सफेद कफन पहनाकर अपने पास बुला लिया, ये आपकी मर्दानगी की हार है। ये आप मेरा ये एल्बम देखिए, मैं अभी आता हूं। सुनिए, चलिए बाहर आपका टांगा खड़ा है। देखिए आप यहां से 22 जा रहे हैं और कल निरंजन भी अदालत से 22 रिहा हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? जाइए। लग रही है, नहा धोकर आई होगी। मेहंदी टूटी पिसी छनी,
घुली रजी तब रंग लाल हुआ, औरत का भी इस दुनिया में मेहंदी जैसा हाल हुआ, मेहंदी जैसा हाल हुआ। शदीद गवाह और पाए गए सबूतों की रोशनी में यह साबित हो चुका है कि निरंजन चौधरी बेगुनाह है, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और सितारा पर जोहरा बाई के खून का मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। कौन था वो आदमी? कौन? वही जिसके पास तो एक रात के लिए गई थी। टुकुर टुकुर अब देख क्या रही, गई थी या नहीं बोल। हाँ गई थी। ये बोलते वक्त तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? इसे शर्म क्या आएगी? अरे वैश्या भी बाजार में निकलती है ना तो चेहरे को आंचल से ढक लेती है, पर ये तो ऐसे गर्दन उठाकर चल रही थी जैसे कोई किला फतह करने जा रही हो। मैंने जो कुछ किया इस घर को और आपको बचाने के लिए किया, इसलिए भगवान को तरस आ गया और मेरी इज्जत लुटने से बच गई। ये उसके घर रात भर रही और उसने इसे छुआ तक नहीं। अरे अगर वो इतना ही दूध का धुला था तो रात को ही तुझे अपने घर क्यों बुलाया? ये मुझे मालूम नहीं। और तू उसे कब से जानती है? मैंने उसे पहले देखा तक नहीं। देखा तक नहीं? कोई आदमी रात के अंधेरे में घर आकर ऐसे ही कह देगा कि मुझे आपकी बहू चाहिए जब तक कोई पुरानी जान पहचान ना हो, और हमसे बिना पूछे ऐसे ही चली गई उसके पास गुलछर्रे उड़ाने के लिए। यकीन मानिए मैं पवित्र हूँ। झूठ बोलती है तू। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी नाजायज है? खबरदार जो मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो। आप जो इल्जाम मुझ पर लगा रही है वो नाजायज है। क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो निरंजन का है? हाँ हाँ दे सबूत। अगर आपका बेटा आपसे सबूत मांगे कि वो जिसे बाप कह रहा है सचमुच उसका बाप है तो क्या आप सबूत दे सकेंगी? आप दे सकेंगी? दुनिया की कोई भी माँ इसका सबूत नहीं दे सकती, तो फिर मुझसे ही क्यों ये सबूत मांगा जा रहा है? इसलिए कि तू यहाँ से रात भर गायब थी। हमने तो कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया। आप ही कहिए कौन विश्वास करेगा कि कोई रात भर काजल की कोठरी में रहे और उसे जरा भी कालिक ना लगे। मान लीजिए कि मैंने पाप किया है, लेकिन क्या ये पाप पुण्य से अच्छा नहीं जिससे मेरे पति की जान बच गई? हरामजादी आवारा बच्चलन, तुझे यहाँ रखकर मुझे अपने कुल और खानदान पर दाग नहीं लगाना। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे तुम घड़ी क्या देख रही हो, निकालो इस चुड़ैल का बाहर। चल निकल इस घर से। मुझे आप अपने से दूर मत कीजिए। छोटे चौधरी कम से कम ये तो सोचो कि अब वो माँ बनने वाली है। तो क्या करूं, किसी और के कलंक को अपने माथे का टीका बना लूं? ठीक हुआ तेरे साथ कुल्टा हरामजादी। चल निकल बाहर। बोट कुलच्छनी कलमुही, धक्के देकर बाहर करो इसे। चलो चल। क्या कहा था तुमने, इस घर से नहीं निकलेगी? निकाल दिया ना। याद रख
चौधराइन वो नागिन है जो एक बार डस लेना उसके जहर का कोई इलाज नहीं। अरे सारी दिए जला दे, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो। बनाती है मेहंदी। आपने कहा था ना पिताजी कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ। अच्छी बहू तो वो होती है जो डोली में ससुराल जाए और अर्थी में वापस लौटती है। मेरी तरफ देखिए, ये लाश बिना अर्थी के ही वापस चली आई। पूजा बेटी, सॉरी हम बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन पूजा खतरे से बाहर है। वो अभी बेहोश है, घबराने की कोई बात नहीं। अजी कहना क्या है, सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि बात पक्की हो गई है। ये किसका चुकन जा रहा है? मालूम नहीं, निरंजन बाबू की शादी तय हो चुकी है। मैं इन्हें 5 लाख कैश दिला रहा हूँ, जेवर और सामान 2 लाख का, ऊपर से हाँ। अरे आपका संदेह कौन है, जरा ये भी तो बता दीजिए सासू जी। शहर के सबसे बड़े अमीर सेठ सूरजमल 10 जुलाई को बारात यहाँ से जाएगी। चलो उठो जी, आजा बेटे निरंजन, आओ पंडित जी। अरे चलो लड़कियों। लगता है मैं किसी शुभ घड़ी में आया हूँ। शायद वंदना बेटी का शगुन जा रहा है? जी नहीं, ये निरंजन की शादी का शगुन जा रहा है। रास्ते से हट जाएं, शगुन को जाने दें। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज आपके सामने सर झुका रहा हूं और अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं। कंगाल आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत खोटे सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं होती। जैसे अत्तर को रुई में भिगोकर कान में खोस लिया जाता है ना, वैसे आप मेरी भी बात अपने कान में खोस ले। आपकी पूजा मरे तो मरे, हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर कफन छोटा पड़ जाए और लकड़ियाँ कम हो जाएं, तो किसी को भी भिजवा दीजिएगा, दान में दे दूंगा। चलो जी आओ बेटे, आओ जाओ बेटे, जाओ। बन्ने चलो। मैं पूजा को इस घर में रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है, नेहा भी मेरे साथ रहेगी और मेरी सेवा करेगी। इससे आपकी शान भी बढ़ जाएगी, मेरी बीवी और रखेल आप दोनों के बाप कहलाएंगे। समझ में नहीं आता तुम्हें कुत्ता कहूं या सुअर। तुम तवायफ के कोठे पे जाते तो हो ना, वहां एक कोना है जहां लोग बरसों से पान खाकर थूकते हैं। तुम उस कोने से भी ज्यादा गंदे हो, थूकने के लायक भी नहीं। आज हमें पहली बार बेटी का बाप होने की सजा मिली है। जब छोटे बड़ों पर हाथ छोड़ देते हैं ना,
तो आसमान भी इंतकाम लेने की कसम खा लेता है। चलो बेटी। पुजारी जी, आज अदालत में तलाक का केस है, वहां बहू रानी पर जी भरकर कीचड़ उछाला जाएगा। बेचारे शरीफ लोग हैं, उनकी इज्जत की तो। मुसीबत में शरीफों की कभी इज्जत नहीं घटती, जला भी डालो सोने को मगर कीमत नहीं घटती। मिलॉर्ड, एक औरत जब किसी की धर्मपत्नी बनती है तो वो अर्धांगनी कहलाती है, यानी कि आधा अंग। और जब किसी इंसान के आधे अंग पर कोढ़ हो जाए या सड़ जाए तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता, लेकिन आपका कानून उसे बचा सकता है, उसे उसकी धर्मपत्नी से तलाक दिलाकर। मिलॉर्ड, निरंजन चौधरी की धर्मपत्नी पूजा धर्म और पत्नी दोनों के ही नाम पर कलंक है। ऐसी औरत छूत की बीमारी की तरह होती है, जैसे सांप। जीती जागती मौत है वो, और यही वजह है कि मैं अदालत से निरंजन चौधरी के लिए जीवन दान चाहता हूं। और यह तभी मुमकिन है जब इसे उस वेश्या से तलाक दिला दिया जाए। मिलॉर्ड, इससे पहले कि इस केस की कार्रवाई शुरू हो, मुझे इस अदालत से कुछ कहना है। इजाजत है। निरंजन चौधरी को पूजा से तलाक चाहिए। हम वादा करते हैं कि जिन हाथों पर उसने मेहंदी लगाई थी उन्हीं हाथों से वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी, लेकिन हमारी शर्त है कि ये केस यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तुलसी का पौधा अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसे घर से निकाल दो, लेकिन उसे इस हालत पर न पहुंचा दो कि वो न पूछने के लायक रहे और न जीने के। हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। रही तलाक की बात तो वो हम कोर्ट से ले लेंगे। मिलॉर्ड, ये पूजा से सिर्फ तलाक ही नहीं, भरी अदालत में उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालकर उससे जीने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं, और ये इजाजत मैं इन्हें कभी नहीं दूंगा। आप कानून के साथ खेल रहे हैं, आपको तो कानून की रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे कानून की नहीं, अपनी औलाद की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूं, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं? वकील साहब, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। खुद जज साहब इस बात की गवाही देने वाले हैं कि दीवान साहब अदालत की मर्यादा को भंग कर रहे थे और अंकुश चौधरी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, अंकुश साहब बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। अरे साहब भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ये तो सब प्रभु की लीला है। लोग कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, अब बेचारी पूजा को ही ले लो ना। पहले उसके पेट का बच्चा मरा, फिर उसका तलाक हुआ, और अब बेचारी के पिताजी गुजर गए। ये देखो, ये दुल्हन की साड़ी है। ये रहे दुल्हन के गहने। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। Ha 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 ha
बेटी अपने वचनों को जरूर निभाना, जो इसे नहीं निभाता ना वो पाप का भागीदार बन जाता है। मेरा पति पापी है, राक्षस है। मेरे सास ससुर श्राप है, अभिशाप है। की मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। मैं उस घर को बांझ बना दूंगी जहां अब कोई खुशी जन्म नहीं लेगी। माँ दुर्गे का रूप धरूंगी। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। मैं तो मर चुकी हूँ, मैं उनको तबाह बर्बाद कर दूंगी। मुझे 40 किलो लकड़ी चाहिए। अपने लिए? हाँ। छत बनाने के लिए कि जलाने के लिए? जलाने के लिए। आओ, अपनी चिता जलाने के लिए पहले से ही लकड़ी इकट्ठी कर। अबे ओ, मुंह संभाल के बात कर। अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है। अभी 2 साल पहले मेरे बाप ने दूसरी शादी की है। आओ, फिर तो उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। कहाँ मिलेंगे वो? वो अपने बाप से मिलने गए हैं। हाँ, यानी कि उनके बाप भी जिंदा है। लगता है कि पूरे खानदान ने आबे हयात पी रखी है। ये पंडित जी आजकल शादी कराने का धंधा बंद कर दिया क्या? अरे उन कमीनों के चक्कर में तो मैं पिटते पिटते बचा हूँ। क्या? चलो चलो लकड़ी वजन करो। अरे ये तो लोगे कैसे, वजन कहाँ है? तुम्हारे बाप दादा की तरह चलता फिरता वजन है मेरे पास, दिखाऊं तेरे को? ये बताओ तुम इन्हें वजन की जगह क्यों इस्तेमाल करते हो? ये लोगा रात भर जागते रहते हैं, दिन भर काम करेंगे ना तो थककर जल्दी सो जाएंगे, और फिर उसके बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कहाँ वो पोटे? उनसे बहुत वजन उठाने को लगा है क्या? वो छोटे बच्चे हैं, उनसे इतना काम न को ले कि उनका कचूमर निकल जाए। पोट्टे सचमुच सो गए? जाके खुद ही देख लो। एक मिनट देख कर आता हूँ, सोना नहीं। मेरी शब्बो, मेरी भागमती, मेरी लाड बाजार, मेरी चूड़ियों की दुकान। सच्ची? तो ऐसा पहले काय को नहीं बोले? इससे पहले ये घर हैदराबाद का चिड़िया घर दिखता था, लेकिन आज आगरे का ताजमहल लग रहा है। शब्बो बन्ने, मेरा दिल कर रहा है कि तुमको। नहीं, हाथ नको लगाओ मुझको। काय को? आज मैं मजबूर हूँ, आज नको। नको 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 करो जी, हाउ 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 करो जी। मुझे अतीम पर रहम खाओ, खुदा तुमको फल देंगे। आओ आओ। समझ गए ना,
और अभी भी नहीं समझे तो कहो, कान में बोलू? नको नको, कान में नको नको, समझ गया। इसका मतलब आज भी? हाँ। हाँ। मेरा क्या नसीब रे, मैंने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई, और उधर छोटे चौधरी को देखो, एक शादी के बाद दूसरी शादी का शगुन लेकर जाने वाला है। अभी वो हल्दी भी मजे से लगा रहा होगा साला। ये रही वो जेवरों की लिस्ट जो दीवान साहब ने दिए थे, और साथ में मांग टीका भी है जो इनकी बहन से जबरदस्ती छीन लिया गया था। अगर आप लोगों की बेईमानी की नियत नहीं है तो इन्हें जल्द से जल्द लौटा दें, वरना हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने दिया ही क्या है, जो भी दिया है हम सब लौटा देंगे। वैसे भी भिखारियों की हम कोई चीज नहीं रखते, भिखारी तो खाली हाथ भीख मांगते हैं, मगर आप लोग तो अपने ही बेटे को कटोरी की तरह आगे बढ़ाते हो और भीख मंगवाते हो। दे दे बाबा, बेटे के नाम पे आप लोग तो उन भिखारियों से भी गए गुजरे हैं। लानत है आप सब पर। चलिए वकील साहब। जाते जाते एक बात सुन लो, आज तुम्हारे बाप के मर्डर केस की तारीख है। मैं कोर्ट भी जाऊंगा और वहां से बाइज्जत रिहा भी हो जाऊंगा। आगे के लिए इतना याद रखना, अगर तुम बहनों ने ज्यादा हाथ पैर बाहर निकाले तो दीवान साहब की तरह तुम दोनों को भी खून से नहलाकर दुल्हन बना दूंगा। ये द्वार पे खड़े हैं और इन्हें हमने द्वार छिकाई नहीं दी, इसलिए इतना नाराज हो रहे हैं। लीजिए द्वार छिकाई। पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है, मैं भी उसी कानून का सहारा लूंगी, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दीवान साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ वो सब यही हुआ, जज साहब आपने भी तो देखा था, तो अब बोलने के लिए बचा क्या है जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी? मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं?
खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो साली कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वेश्या थी, जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वेश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने। मिस्टर अंकुश, आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत। दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। अब रही शोहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। आपके पास न तो दौलत है न शोहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया, आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल न सके वो काहे का मर्द, वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं है? You shut up. आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देता है। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात बिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। ए, ए, बहुत बोली, अब आगे बोलेगा तो? बस बस, रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके। हरामजादी, मैं तुझे, ये अदालत है, यहाँ किसी को धमकी देना अदालत की मर्यादा के खिलाफ। अदालत की मर्यादा की ऐसी की तैसी, तेरी तो। आइए आइए। निरंजन चौधरी कौन है? मैं। आइए मेरे साथ। मानी पुरानी सासू जी, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है, कोई कुछ भी करे। बहन और भाई लगते हैं मुझे कसाई हो, क्या ये प्रेम की बत्ती जलने देंगे के नहीं? अरे बोल शब्बो बोल, संगम होगा के नहीं? I'm not afraid.
कैश करेंगे। हाँ प्यार वाला चेक हम कैश करेंगे। हाँ जी हाँ, अरे हाँ जी हाँ। बच्चा बच्चा जहर लगे, बच्चा बच्चा जहर लगे, लाई है दहेज में इन्हें, कहे तू बापू के घर से। सूप जैसे दुश्मन ने दी हो कोई बदुआ हो। तुझे पीटने को दिल करता है ओ भोचू, तुझे पीटने को दिल करता है, जो भी मुंह में आए बकता है, तुझे पीटने को दिल करता है। सात उल्लू पड़े पड़े हमको खड़े खड़े, सात उल्लू पड़े पड़े घूरे हमको खड़े खड़े। सच सच मैं कहती हूँ सुन लो अजी, सुन लो अजी, काटेंगे तंबू यहीं पे सभी, यहीं पे सभी। रात भर मुए, रात भर मुए मिलने न दे, दीदे दिखाए को जरा छोड़ के, खेले कबड्डी अरमान दिल में, आओ घुसेड़ू तुम्हें सांपों के बिल में। खटिया के नीचे क्या है, खटिया के नीचे पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे। खटिया के नीचे भाई, पर्दे के पीछे बहना, ये मेरी आंख के तारे, ये मेरे घर का गहना। हाय ओ रब्बा मैं क्या करूं, कहां मरूं। अरे चुप। नमस्ते सेठ जी, आप अंकुश चौधरी के श्राद्ध में नहीं आए? मैं खूनियों और बदमाशों के श्राद्ध में नहीं जाता। तब तो बहुत अच्छा किया आपने, अब जो होना था वो हो चुका, अब जो होना है वो हो जाना चाहिए। शादी की नई तारीख निकलवा लें? ये शादी अब नहीं होगी। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए सेठ जी, हमने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं सेठ जी, शादी की तैयारी में हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं, ऊपर से जात बिरादरी में नाक कट जाएगी। ऐसा मत कीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ। हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए।
अरे पंडित के कहने पर हमने तुम्हें गंगा जल समझा था, लेकिन अब पता चला कि तुम गटर का वो गंदा पानी हो जो केमिकल डालने से भी साफ नहीं होता। चले जाओ यहां से। आ जाओ मिलक प्याले प्याले बच्चों। अच्छा अच्छा पापा भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। रहीम चाचा, रहीम चाचा जी, ये बच्चों को सर आइसक्रीम खिला देने चाहिए, ये बहुत जिद कर रहे हैं। जाओ बेटे जाओ। चलो सुनिए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जिसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं। हम कहीं और मिलेंगे। देखो पूरे एक महीने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लौटे हैं, आज मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। मिस्टर राज, हम दोनों ने यहाँ एक रात गुजारी है। जो शक मेरी ससुराल वालों को हुआ, वही शक आपकी पत्नी को भी होगा। अपनी पवित्रता का सबूत न तो मैं दे पाई थी और ना आप दे पाएंगे। जिस तरह मेरी दुनिया बर्बाद हुई, उसी तरह आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। बात याद रखना, अगर तुमने मेरे परिवार में जरा भी जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। खुद तो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आए और तिनका तिनका बिखेर दिया, और आज जब खुद के घर में जरा सी हवा चली तो पत्ते की तरह कांप गए और रिवॉल्वर निकाल लिया। चलाइए गोली, चलाइए। गोलियों से ना तो कहानी खत्म होती है और ना ही पाप मिटता है। बहादुर हो, तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता? जिस औरत का न भाई हो न बाप न शौहर न समाज, वो औरत औरत नहीं रहती, लाश बन जाती है, और लाश गोलियों से नहीं डरती। और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता था। फिर मुझे बर्बाद क्यों किया? मेरी एक बहन थी राधिका, वो निरंजन से प्यार कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन निरंजन ने उसे ठुकरा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। बात यह है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी, एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। मैंने अपनी बहन की चिता पर कसम खाई थी कि मैं निरंजन को कभी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोगने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे बदचलन आवारा साबित करके घर से निकाल दिया। मैं एक बहू नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा। मिस्टर राजेश्वर, तुम एक बेटी, एक बहू और एक माँ तीनों के मुजरिम हो। सचमुच बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। मैं ये सोच भी नहीं पाया कि जो आग मैं लगा रहा हूं वो और किस किस को जलाएगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं पूजा, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। अब मैं हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहती हूं, और इस बार अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो कीमत मैं चुकाऊंगा। रामोतार की बीवी खेतों पर काम कर रही है। क्या? चल मिले हो। ओह,
की इतनी हिम्मत? निकल जा मेरे खेत से। ये तो हमारा खेत है चौधरी जी। अरे तुम्हारा था, अब ये मेरा है। राम अवतार ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, जो सूद समेत 50,000 रुपए हो गए थे। ये कर्ज चुकाने के लिए राम अवतार ने मरने से पहले सारा खेत मेरे नाम कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं चौधरी जी। अरे मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागजात झूठ नहीं बोल सकते। ये देखिए मुखिया जी, ये देखिए राम अवतार के अंगूठे का निशान देखिए। हाँ भाई, कागजात तो पक्के। हाँ बिलो निकाल इसे। अरे निकाल। ए चलो निकलो, भागो। निकाल दिया। चौधरी तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, मैं ये पूछ रहा था कि राम अवतार जी की तो तुमसे पटती भी नहीं थी, वो तो तुम्हारे दरवाजे पे थूकने भी नहीं आता था, मतलब आता नहीं था, फिर उसने कर्जा कभी लिया तुमसे, और वो कागजात पर निशान कब लगाया? बीच में मत बोल। कमाल है, और बनने में अभी बीच में बोलते हैं, मगर आप उन्हें कुछ नहीं डांटते। हाँ हाँ नहीं डांटता, इसलिए कि वो मर्द है। तू मर्द है क्या मुखिया जी? साले को क्या मालूम कि राम अवतार एक इज्जतदार आदमी था, और हर इज्जतदार आदमी कभी किसी के सामने नहीं, हमेशा छुपकर कर्जा लिया करते हैं। क्यों मुखिया जी, जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपने भी तो। हाँ चौधरी साहब सच कह रहे हैं, पंचायती करने आया था साला। इतने भी हमारी बेइज्जती मत कीजिए चौधरी साहब। क्या करेगा क्या करेगा तू? दिखाएगा दिखाएगा आंख, रीति मत, आंख निकालूंगा साले, भाग जा यहां से। कभी मेरी दुकान पर आया तो देखो साईं, अगर 2 दिन के अंदर तुमने फैक्ट्री नहीं खरीदा तो मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। अरे तुम भी खामखा की धमकी देते रहते हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस फैक्ट्री खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे आपका ख्याल गलत है साईं, दूसरा ग्राहक माल के साथ तैयार खड़ा है, वो तो आपसे पहले बात हो गई थी, इसलिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, दूसरे ग्राहक से मिलवाऊं, खातिरी कर लो। अरे साईं जरा बाहर आना। ये तो अभी पूरा पेमेंट देने को तैयार है, लेकिन मैंने आपको जबान दी है इसलिए 2 दिन दे रहा हूँ, और बिजनेस में जबान की बड़ी कीमत होती है। अरे आप दोनों एक दूसरे को हेलो भी नहीं बोला। आपको 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। साईं, आपको देखते ही निरंजन की आंखों में खून उतर आया था, और उसे देखते ही मुझे अपना खून याद आ गया था। उसका मूड देखकर तो ऐसा लगता था जैसा वो आपको मार ही डालेगा। ये काम तो वो पहले ही कर चुका है दुदानी, अब तो उसके मरने के दिन है। अब तो उस फैक्ट्री को खरीदना जरूरी हो गया है, वो भी उस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है। कौन? वही जिसके पास पूजा गई थी। मैं उसके पास वो फैक्ट्री नहीं जाने दूंगा, ये मेरी मान का सवाल है। तू चिंता क्यों करता है बेटा? अपने बेटे का मान रखने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। ये रहे 10 लाख रुपए, तेरे पिताजी को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोगों ने ये पैसे निकाले, वरना वो जिंदा ही चिता पर लेट जाएंगे। ये रहे 10 लाख रुपए कैश, और ये रहा बैंक का 20 लाख रुपए का चेक। अच्छा। पेमेंट पूरा हो गया? हो गया साईं, बिल्कुल हो गया, और ये मेरी तरफ से फैक्ट्री के कागज। मिस्टर निरंजन, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई कांग्रेचुलेशन। शट अप। आप ये बताइए कि आप यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं या आंसू पिचवाने? अगर तो आंसू पिचवाने आए हैं तो ये लीजिए रुमाल, पूछिए आंसू और दफा हो जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ जी, मेरी तिजोरी से 10 लाख रुपए चोरी हो गए, मैं कंगाल हो गया हूँ जी, कंगाल। बस बस चिंता मत करो। इतना याद रखो मियाँ, चिंता और चिता में एक चिविंदी का फर्क है। अगर आपने इनको 10 लाख रुपया दिलवा कर चिंता से छुटकारा नहीं दिलवाया तो ये चिता पर लेट कर अपनी जान दे रहे। मरने की तब सोचना जब घर में पैसे हो, वरना श्राद्ध भी ठीक तरीके से नहीं होगा और आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। जी आप ठीक कह रहे हैं। किसी पे शक? कौन सी मारू? ए बीच की मारना।
ओह, अरे दो गोलियां तो कम है, जरूर इसने ही चुराई होंगी। ए चल फूट, चल निकाल मेरी गोलियां। नहीं है ना? हाँ। बिल्लू तेरा नाम है? हाँ मेरा ही नाम है। तो चल। ओ, मैंने कुछ नहीं किया। हेल्प जोर दीजिए। मैं शरीफ आदमी हूँ, हरामी लगता हूँ ना? हरामी लगता नहीं, हरामी हूँ, बहुत बड़ा हरामी। इसने तो मेरी मार खाता ही, गूंगे भी ठुमरी गाने लगते हैं। चल चल जल्दी से उगल दे, चल चल। मुझ पे दया कीजिए। दया? कितनी किलो दया चाहिए? बोल बे छक्के, रुपया कहाँ है? सर इसे मत मारिए सर। तो क्या इसका चुम्मा लूं? मेरी एक बात सुन लीजिए सर, टीवी सीरियल महाभारत तो आपने देखा होगा, भीष्म पितामह की मौत की वजह एक छक्का था। आपका नाम भी भीष्म है और ये एक छक्का, इसीलिए कहता हूँ कि प्यार से काम लीजिए। मेरे लाल, ये प्यार करने की कोई रोमांटिक जगह नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, समझे? आजकल बहुत टीवी देखता है, जा। और चौधरी साहब, थाने में सर ले आना जरूरी था क्या? तो अपने सर को कहाँ रखूं? लेकिन सर आप टकले कब से हुए? और चौधरी साहब, ये टकले का सर है ना, गुस्से का स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जिसके 24 बटन आपने दबा दिए हैं। शुक्र करो आप बच गए, क्योंकि आप भी तो टकले हैं ना। लेकिन मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा। अब बता, तूने रुपए लिए या नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की शक्ल, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। निरंजन बाबू, आप यहाँ? जी, आज मेरी फैक्ट्री का मुहूर्त है। तुम यहाँ? मंदिर का द्वार पूजा के लिए खुला रहता है, लेकिन मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। वो घर नहीं, किराए का मकान था मेरे लिए, जब रहने की कीमत नहीं चुका सकी तो निकाल दी गई। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ सालों के लिए बनवास का समय आता है और इसे तो काटना ही पड़ता है। ओ, तो तुम यहाँ बनवास काटने आई हो? हाँ। तो काटती रहो, इसलिए कि तुम्हारे बनवास का कोई अंत नहीं होगा। क्या इसलिए कि मेरा राम ही रावण है? मैं किसी का राम नहीं और ना ही राम बनना चाहता। ये दुनिया रामलीला नहीं, महाभारत है। यहाँ जीतना ही धर्म है, और किसी भी कीमत पर जीतो। छोटे चौधरी, किसी भी कीमत पर जीतने वाले अक्सर जीतकर हार जाते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं हारूंगा। आपकी बारात मंडप से वापस आ गई, कल्पिता की साड़ी सफेद हो गई, आपके बाप की पगड़ी उछाली गई, क्या कर लिया आपने? तो तुम यहाँ बनवास काटने नहीं, बदला लेने आई हो। देखता हूँ तुम बदला कैसे लेती हो। पाप का घड़ा अगर भर गया हो तो उसमें कंकर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घड़ा खुद ही फूट जाता है। छोटे चौधरी, औरत जब तक रोती है तभी तक कमजोर होती है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। ये सपना कभी पूरा नहीं होता अगर मेरी माँ ने मेरा साथ ना दिया होता। बेकार में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, मैंने किया ही क्या, बस चौधरी जी की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकाल कर इसको दे दिए, और क्या किया।
लोग भी कमाल करते हैं, एक ही घर में रहकर एक दूसरे की चोरी करते हैं और झूठी रिपोर्ट लिखवाकर बेचारे बिल्लू को पिटवा दिया। जानते हैं आप लोगों पर उल्टा केस चलेगा, और तो और पुलिस भी आप पर चार्ज लगाएगी। अब तो सिर्फ आप लोगों को भगवान ही बचा सकता है। ये क्या है? आप ही ने कहा था ना कि अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। हाँ, मैंने कहा था। असली है, आपको भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। आपको भी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। वो तो है। अच्छा, तो हम चलते हैं। जैन, जैन, जैन। मुखिया जी, मेरे बेटे बिल्लू को बचा लीजिए। अब तो आपको भी मालूम हो चुका है कि वो चोर नहीं। या क्या है, पुलिस से किसी को बेइज्जत करवा के पिटवा दे, ये तो सरासर जुल्म है। मुखिया जी, आज आपको इंसाफ करना पड़ेगा। यहाँ की पंचायत जब यहाँ की माओ को, यहाँ के बेटों को, यहाँ की बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकी, तो आपको क्या इंसाफ दे पाएगी? बताइए मुखिया जी, चौधरी परिवार के ताल पर यहाँ का समाज कब तक ठुमके लगाता रहेगा? कब तक? क्या पूरा समाज छक्का हो गया है? ए मुखिया, तुम लोगों ने गांव में ये पंचायती विचायती क्या लगा रखी है? चलो फूटो यहाँ से। अदब से बात कीजिए, ये कोई बाई का कोठा नहीं, गांव की पंचायत है। कौन हो तुम? फिलहाल सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी। ये जानते हुए भी कि निरंजन चौधरी ने अपनी माँ के साथ मिलके चौधरी जी के 10 लाख रुपए निकाले थे और उन्हीं रुपयों से फैक्ट्री खरीदी थी, ये जानने के बाद भी आपने उन्हें दोषी नहीं माना, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और निर्दोष बिल्लू को मार पीट कर हवालात में बंद कर दिया? इसलिए कि उनके खिलाफ किसी ने कम्प्लेन नहीं लिखवाई, तो मैं एक्शन कैसे लेता? मैं लिखाती हूँ कम्प्लेन, लिखिए। ऐसी कम्प्लेन मैं नहीं लिखता, थाने में जाकर हवलदार को लिखवा दो। ये कम्प्लेन तो आप ही को लिखनी पड़ेगी, और अभी। तुम कोई जिला मजिस्ट्रेट नहीं हो जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। अब तो हवलदार हमारी कम्प्लेन नहीं लिखेगा। तब तो मुझे ही मजबूर होकर लिखना पड़ेगा। अंडर अरेस्ट, गांव वालों का प्रेशर है, एक दिन के लिए आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कैसी लगी नई ससुराल? सिगरेट जला लीजिए, थोड़ी शांति मिल जाएगी। निरंजन बाबू, आपने जो आग लगाई है वो फूंक मारने से नहीं बुझने वाली। बोल ले जो बोलना है, आज तेरा वक्त है, कल मेरा वक्त भी आएगा। वक्त आएगा? आप तो कहते थे कि वक्त आता नहीं, लाया जाता है। लगता है अंदर से बहुत टूट गए हैं छोटे चौधरी। चाहे जितना भी टूट जाऊं, जमानत पर तो छूट ही जाऊंगा, फिर ऐसी आग लगाऊंगा जिसे बुझाकर मुझे जरूर शांति मिलेगी। एक बात याद रखिए छोटे चौधरी, जिंदगी का खेल जल्दबाजी से नहीं खेला जाता। जो खेलते हैं वो अनाड़ी होते हैं, और जो अनाड़ी होते हैं वो अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्या पानी लाऊं आपके लिए एक ग्लास? शट अप! अरे आग लगे उस इंस्पेक्टर को, मेरे बेटे से पैसे भी खा लिए और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। भगवान करे मरने के बाद उसके मुंह में आग देने वाला कोई ना हो, उसकी लाश को चील, कौवे, कुत्ते नोच नोच के खा जाए, खच खच कीड़े लगे उसको। अरे घबरा मत भगवान, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा, खाक सामने उस मनुष्य का चेहरा जो नजर आ गया। अरे सब इसी का किया कराया है, इंस्पेक्टर के अंदर इसी ने जहर भरा होगा। जहर तो नागिन के पास होता है, हम इंसानों के पास तो सिर्फ आंसू हुआ करते हैं। कमीनी! वैसे तो कहने को है ये मेरी राम कहानी, पर हर एक लड़की को लगेगी ये जानी पहचान।
है सड़ा हुआ माल। कमीना बनने में कैसा नमक हराम निकला, जाके पूजा से मिल गए। आज कोई काम करने वाली भी नहीं आई मरने के लिए। अरे नहीं आई तो क्या हुआ, हम कोई लंगड़े लूले थोड़ी है। कल्पिता जा, तू ही वो बर्तन धो डाल। अरे नहीं नहीं नहीं, चुप हो जा चुप हो जा। देखो रमा सुबह से बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। कल्पिता, अरे कल्पिता, बाल्टी भी खा।
चौधराइन, ये उमर माँ अकेले ही बर्तन धोने बैठ गए। अफसोस, पर तुम कर भी का सकती हो, तुम्हारे घर में गंदा बर्तन भी तो बहुत हैं। एक बात कहते हैं चौधराइन, वह इससे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। अपना काम करने से का होवत है, सेहत भी अच्छी रहती है और रात को नींद भी बड़ी बढ़िया आती है, है ना चौधराइन? अच्छा अब चलते हैं। ससुरी कुतरी की पिताजी। बोल। पिताजी मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। अकल दे से आई, जा जल्दी जा। पर खाली हाथ कैसे जाऊँ? अरे भीख मांगती जा। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बेटी ने मिलकर मुझे कंगाल बना दिया है, अब तुझे कहाँ से दूँ? सुबह से चौधराइन ने कुछ खाने के लिए भी नहीं भेजा है। ये लो सेठ जी खीर। खुशबू तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये ले। लो पिताजी। खीर तो बहुत अच्छी है। किसने भेजी इतनी सारी खीर? आपकी बहू ने। तू झूठ बोल रहा है। वो क्या है कि बहुरानी दूध खरीद कर बोली कि बनने में आ इसकी खीर बना दो, लेकिन एक कुत्ता न जाने कहां से आकर टांग उठाकर उसमें पेशाब कर दिया। मैंने उससे पूछा कि इस दूध का क्या करूं, बोली दूध को बर्बाद नको करो, इसकी खीर बनवा कर ससुर जी को भिजवा दो। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। क्या इसमें कुत्ते का पेशाब है? हाँ। ये क्या किया आपने? अब क्या हुआ? इस हांडी में मेरी छोटी साली पेशाब करती थी। क्या? निकल जा मेरी दुकान से। हट हट हट। चौधराइन, चौधराइन, चौधराइन। मैं अभी बहरी नहीं हुई जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं भेजा? यहाँ बर्तन कौन धोता? तो माँ बेटे की वजह से तो यह हाल हुआ है कि आज गांव का एक आदमी भी हमें पानी तक देने को तैयार नहीं है। अब भगो बेटा, मेरे लाल, तू यहाँ नहीं था ना? क्या बताऊँ, ये पूजा ने गांव वालों के साथ मिलकर हमें कितना सताया। चुप रहो। नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि कुत्ते के पेशाब वाला खीर मजे से खा गए और चुप रह गए। और ये कौन से तीर्थ यात्रा से आया है, जेल से आ रहा है? अरे तो इसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? जो भी हुआ सब इसी के कर्मों का फल है। बाबूजी, दूसरे की बहन पर ना तो जुल्म करता और ना भगवान तेरी बहन को विधवा बनाता। बाबूजी, तूने एक बाप होकर बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया था, ये उसी पाप का फल है कि तेरे सामने तेरी बहन का बच्चा जिंदगी भर अपने बाप के लिए तड़पेगा। बाबूजी। जवानी में थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है, मैं तो पहले ही कह रही थी चुप रहो चुप रहो। ये तुमने कब कहा था? ठीक है नहीं कहा था तो आपको तो चुप रहना चाहिए था। उठो उठो, काम ही ऐसा करते हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। बाबूजी, बाप के साथ बड़ी हमदर्दी जता रही है। दिन में जब खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए मैं तुझे ढूंढ रही थी, उस वक्त कहाँ गई थी मटर गश्ती करने? माँ मैं मुन्ने को दूध पिला रही थी। झूठ बोलती है तू, तू तो शुरू से ही कामचोर है। अब तक घर के कामों में तुम्हारा हाथ कौन बटाती रही? तू बटाती रही। चुप हो जा चौधराइन। अरे ये क्या मेरा हाथ बटाएगी? शादी के बाद ये बोझ बनी रही मुझ पर, यहाँ पड़ी पड़ी खटमल की तरह खून चूसती रहती है और क्या करती है? माँ तुम ये भूल गई कि मेरे पति ने इस घर के लिए अपनी बलि चढ़ा दी है। अरे उस एहसान के बदले तुम लोगों को उनकी तस्वीर पर रोज माला चढ़ानी चाहिए। माला डालनी चाहिए, एक नंबर का चरसी और बदमाश था वो। माँ मामा क्या कह रही है? सुअर की अगर बलि चढ़ जाए तो क्या उसकी गिनती हिरन में होने लगेगी? सुअर तो सुअर ही कहलाएगा। माँ
मैंने तुमको चुप रहने को कहा भी था, मेरी कौन सुनता है? काम ही ऐसा करती हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। उठो, रो मत चौधराइन। कुत्ते आपस में रोटी के लिए झगड़ा करते हैं, आदमी तब झगड़ा करता है जब वो हार जाता है, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हारी हुई बाजी को जीत कर दिखला दूंगा चौधराइन। हाँ, गलतियां तो इंसान से हो ही जाती हैं, मेरे परिवार वालों से भी गलतियां हुई हैं, सो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से क्या होगा, बिल्लू तो अभी तक जेल में है। वो आज रिहा हो जाएगा, मैंने अपना केस वापस ले लिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया चौधरी साहब। हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं और मेरे परिवार वाले ड्रामे में हिस्सा लेंगे। चांद 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 सज्जनों, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय आ गया है, आज हम द्रौपदी चीरहरण का ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो, तुम्हें रिहा किया जाता है। सर, वो जा रहा है, जरा उससे प्यार से बात कर लीजिए। तुम फिर वही राग अलापने लगे। सर, आप भूलिए मत कि आपका नाम भीष्म है और वो एक छक्का। ओए दुर्योधन हूँ, दुर्योधन, मैं कोई भी बाजी नहीं हारता। तुम लोग द्रौपदी को भली भांति पहचानते हो? हाँ भ्राता श्री, वही मनमोहनी गज कामनी मृग नैनी दसवंती और लाजवंती है। जाओ, उसी द्रौपदी को शीघ्र ही प्रस्तुत करो। जो आज्ञा भ्राता श्री। अन्याय, ये घोर अन्याय है महाराज। आपको कुछ दिखाई दे रहा है महारानी? महाराज, माँ को वैसे भी बेटे की बुराई दिखाई नहीं देती। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुशासन, तुम शिथिल क्यों पड़ गए हो? जाओ, आगे बढ़ो। देखते क्या हो, यही उचित समय है जब तुम अपने अपमान का बदला ले सकते हो। इतिहास साक्षी है, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। शाम को पूजा की छोटी बहन नेहा की मंगनी है, वो वही मटक रहा होगा। आप भूल गए कि आपका नाम भीष्म है, और आप ये भी भूल गए कि महाभारत में भीष्म की मौत की वजह क्या थी। सर, भूल जाइए उस छक्के बिल्लू को और चलिए वापस थाने चलते हैं। सर, साले तू बिल्लू के बारे में तो ऐसा बोल रहा है जैसे एक छक्का नहीं कोई सुपरिंटेंडेंट और पुलिस है। चल उतार। नहीं सर। उतार। नहीं सर। उतार। अरे सर, सर रुक जाइए सर, लगता है इनकी मौत का समय आ गया। ये कबाब में हड्डा कहाँ से आ गया? बंद करो ये सब। काहे को बंद करे? अरे शादी ब्याह में आदमी नाचेगा गाएगा नहीं तो क्या मातम करेगा? ए चंपा, चल बजारी बजा। ज्यादा नाटक मत कर, मुझे मालूम है कि तू अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। अब चल। देखो जी, धक्का मारो या मुक्का, जब तक कि पूजा दीदी मंदिर से नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, छोड़ दो। तुम्हें पूजा दीदी पर बहुत घमंड है ना, आज तुमसे भी बुरा उसका अंजाम होने वाला है। Good job.
मेरी शक्ल गौर से देख, यमराज से मिलती है। जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना गोली मार दूंगा। जाओ। जल्दी इस पर लकड़ियां डालो। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तुझे तलाक दिलाने के चक्कर में उलझी रही। घर की लकड़ी, घर का कफन सस्ते में काम हो जाता। तुझे तो बहुत पहले ही जिंदा जला देना चाहिए था। अच्छा करती आप, इस तरह सुहागन तो मरती। हाय हाय, देखो तो मुंह से कैसे फूल झड़ रहे हैं। अरे इसे मरने का जरा भी डर नहीं? आप लोगों ने तो मुझे पहले ही मार दिया था, आज तो सिर्फ जलाने की रस्म पूरी करेंगे। सुना है तुमने अपने बाप की चिता के उल्टे फेरे लगाए थे और हमें बर्बाद करने की कसम खाई थी। आज हम तेरी चिता के उल्टे फेरे लगाएंगे। जल्दी कर। सामने मरेगी, समझी? मैं भी अपनी दीदी के साथ जान दे दूंगी। तू तो जिंदा रहेगी और मेरे पास रहेगी, मेरी रखेल बनकर। नहीं। अभी तक जिंदा है? कमीने, इंस्पेक्टर से तो बच गया लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। जाने भी दो छोटे चौधरी, बात आगे मत बढ़ाओ वरना ये गांव वाले कहेंगे कि आपके सामने नाचने वाला लौंडा आपका जीजा जी बन गया। हाँ ये
है पूजा दीदी? जिंदगी लूटने वाले से ज्यादा कमीना इज्जत लूटने वाला होता है। निरंजन बाबू, किसी ने आपकी बहन की इज्जत लूटी तो उसके लिए मौत की सजा, जबकि आप खुद दूसरे की बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। क्या आपके लिए भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दो। निरंजन का दोष सिर्फ इतना ही है कि मेरी हर बात मानता रहा। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी को माफ कर दो। अब क्यों रो रही है? तू तो नागन है, तो फन मार कर खड़ी हो जा और डस ले मुझे, डस। छोड़ दे मेरी माँ को। मेरी पूजा नहीं, हमें माफ कर दे, भगवान के लिए माफ कर दे। अब आंसू दिखा रही है? जब मुझे चिता पर लेटाकर तेल छिड़का जा रहा था, जब मेरी बहन को रखेल बनाने की बात की जा रही थी, उस वक्त कहाँ गए थे ये आंसू? कहाँ गई थी तेरी ममता, गिर गिर कितना रंग बदलने वाली औरत? खबरदार छोटे चौधरी, आज तुम लोगों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है, और जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो ऊपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है। तो ये मामला छोड़ दे ऊपर वाले पर, हमने जैसा किया है वही इंसाफ करेगा। ये भी तेरी एक चाल है नागन, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो सही इंसाफ करेगा और जरूर करेगा। ये ले चौधरायन, अगर दम है तो उठा रिवॉल्वर और गोली मार दे मुझे। नहीं नहीं, कुछ झूठा है। कदम कदम पर इस अबला को हर रिश्ते ने लूटा है।